अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सरवत सलीम। बात हो रही है जज्बे की, तो किसी जज्बे के तहत हम भी हर रोज़ हर सुबह आपके सामने इस वक्त मौजूद होते हैं। यही वो जज्बा होता है जो हमें किसी भी काम के लिए लगन देता है, किसी भी काम को करने का शौक़ पैदा हमारे अंदर करता है। मगर बात यह होती है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई कर रहे होते हैं, हमें रास्ते दिखाते हैं, हमारी हिम्मत बंधा रहे होते हैं, मगर उस हिम्मत के बंधाने तक और फिर उस रहनुमाई का हमें शायद ही कभी कोई फ़ायदा ना हासिल हो सके जब तक उस काम को कर गुजरने का जज्बा हमारे अपने अंदर मौजूद ना हो, उसका शौक हमारे अपने अंदर मौजूद ना हो। जज्बा हर चीज़ में होता है। ज़िंदगी में जब हम स्टूडेंट लेवल पे होते हैं तो आगे बढ़ने का जज्बा होता है, अच्छे ग्रेड्स का जज्बा होता है। फिर इसके बाद हम ज़िंदगी के जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम कदम रखते हैं तो किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हो तो उस फील्ड में आगे बढ़ने का एक जज्बा होता है, और उस जज्बे के बगैर आप कभी भी बहुत सारी मामला जो है उनको सर नहीं कर सकते, बहुत सारी चोटियाँ उनको सर नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े कोप एमा देखते होंगे जो इतनी बुलंद चोटियों को सर कर जाते हैं, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि उनके अंदर वो जज्बा होता है, कर गुजरने का जज्बा होता है। तो हम रिश्ते निभाने की जब बात करते हैं तो रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ उनको वक्त देना ज़रूरी नहीं होता, आपके अंदर वो जज्बा भी होना चाहिए कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ ज़िंदगी हमने किस तरह खुशी से गुजारनी है। तो किसी भी काम को करने के लिए अपने अंदर जज्बा ज़रूर पैदा कीजिए। उस रहनुमाई का, उस हिम्मत का हमें तभी फ़ायदा हासिल हो सकता है जब तक वो जज्बा हमारे अंदर मौजूद रहता है। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ, वो जज्बे की बात तो और भी इंशाल्लाह इस पूरे सुबह सवेरे पाकिस्तान के सेगमेंट में आपके साथ पूरे शो में हम करते रहेंगे कि जज्बा आखिर होता क्या है और क्या क्या कर गुजरने की हिम्मत आपके अंदर ये जज्बा ही पैदा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम के हवाले से बात करते हैं। मौसम बड़े ताव दिखा रहा है आजकल हमें, फिर दोबारा से आजकल रात भी देखा गया कि मुख्तलिफ जगहों पे ज़्यादा बारिश भी हुई है, मगर सुबह जब आपकी आँख खुलती है और आप ऑफिस के लिए निकलते हैं या आप अपने स्कूल वगैरह, स्कूल की तो आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो चलिए बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं, जॉगिंग के लिए बड़े बड़े लोग निकलते हैं, तो जब रात भर बारिश होती रहती है सुबह आँख खुलने पर आपको नज़र आता है कि नहीं भाई, सूरज भी अपने आप ताव आपको भरपूर तरीके से दिखा रहा होता है क्योंकि आपको सूरज की रोशनी नज़र आना शुरू हो जाती है। और अभी ऑफिस में पहुँचने तक शदीद किस्म की गर्मी हो चुकी होती है, तो इसी वजह से मौसम ऊपर नीचे तो जा रहा है मगर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर मौसम बेहद खूबसूरत है। तो मौसम कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा रहेगा, इससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर देते हैं एज इट इज़। जिस तरह से हम सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं, तो लाहौर में आज आपको बताएं कि कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री हो सकता है। अभी लाहौर के मौसम के डिग्रीज शेयर करने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रात भर बारिश होने के बाद भी अगर डिग्रीज यहाँ तक जा सकते हैं, कम से कम में ये डिग्री है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, तो डिपेंड करे कि सारे दिन की क्या सूरत हाल होगी और जो मुख्तलिफ बड़े शहर हैं उनकी क्या सिचुएशन बन सकती है। अभी रुक करते हैं इस्लामाबाद शहर का, तो वहाँ का मौसम जान लेते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में भी इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26, अगर दिन भर में बढ़ता है तो कह रहे हैं कि 22 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है। तीस डिग्री आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा है, तकरीबन 2 डिग्रीज़ का फ़र्क आ रहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद के मौसम के बीच, क्योंकि लाहौर में 34 तक जाएगा, इस्लामाबाद में 32 तक जाएगा। अभी रुक करते हैं हम कराची शहर का, तो कराची में जान लेते हैं, फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं हो रही। इस बार भी जो कराची का मौसम मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके डिग्रीज बिल्कुल परसों के जैसे हैं या पूरा हफ्ता जिस तरह से रहे हैं, क्योंकि कम से कम दर्जा हरारत है 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री हो सकता है। अनबिलीवेबल, क्योंकि इस वक्त जो पेशावर की सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा सख्त हमें नज़र आ रही, क्योंकि पेशावर में मौसम शदीद सख्त है। इसलिए नहीं कह रही कि मौसम अच्छा है, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ पर सूरज पूरे आबोताब के साथ इस वक्त चमक रहा है, पूरे दिन गर्मी रहेगी, क्योंकि इस वक्त जो पेशावर की सूरत हाल है कम से कम दर्जा हरारत है 28, अगर बहुत बढ़ता है तो मैक्सिमम 37 डिग्री हो सकता है। अभी जो मौसम की सूरत हाल है इसमें पेशावर का, सारे शहरों का मौसम शेयर किया, कोयटा का जो मैं मौसम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो उससे मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो रही है। हम समझते हैं कोयटा में मौसम बहुत अच्छा है, मगर लाहौर और कोयटा का जो डिग्रीज़ हैं वो तकरीबन आपस में मैच कर रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि इस वक्त जो कोयटा की सूरत हाल है वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 21, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री हो सकता है।
अभी मौसम की सूरत हाल तो मैंने आपके साथ शेयर की, मगर जिस तरह से जिस शदीद गर्मी को हम यहाँ पे बड़े खिलखिला के आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, ये भी एक जज्बा है जो हम लोग आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि नहीं भी आपने हौसला नहीं हारना, गर्मी जितनी भी बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, आपको पूरा दिन तो गुजारना है, वो आपकी मर्जी, अब आपने पूरा दिन बाहर सड़कों पर गुजारना है, घर के अंदर गुजारना है, खेलते कूदते गुजारना है या फिर किस तरह से गुजारना है, ये आपकी रूटीन हो सकती है। मगर जब हम जज्बे की बात करते हैं तो जज्बे का जो सही इस्तेमाल हम कह सकते हैं वो उन जवानों के लिए आता है, उन सपूतों के लिए आता है, उन बेटों के लिए आता है, उन माओं के लिए, उन वालिदों के लिए आता है, वो वालिद जो है जो किसी जज्बे के तहत अपने जवान बेटे सरहदों पर इस मुल्क की हिफाजत के लिए भेज देते हैं, जिनके एक एक बेटा भी है, जिनके तीन तीन बेटे भी हैं, और मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जिन्होंने इस धरती के लिए अपने तमाम बेटों को कुर्बान किया, शहादतें उनकी हुई, सरहदों पर उनको भेज दिया। अभी कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक ऐसे हीरो को भी शेयर किया था जिनकी तीन बहनें थीं मगर एक ही भाई था, और वो भाई सबका लाडला था, जब वो गए सरहद पे तो शहादत उन्हें नसीब हुई अल्लाह की तरफ से। जब माओं के इतने बड़े कलेजे होते हैं, बाप का इतना बड़ा हौसला आता है, तो उसका मतलब है कि ये वो ख़ास जज्बा है जो अल्लाह ताला किसी किसी को अता करता है। मैं इस जज्बे के तहत जो बात करने जा रही हूँ अपने हीरो पाकिस्तान में, आपको याद होगा परसों यानी हफ्ते वाले दिन दुश्मन की जानिब से अटैक किया गया अफगान बॉर्डर और बलूचिस्तान के ऊपर, जहाँ पर हमारे जवानों ने उनके दांत तो खट्टे किए, मुंह तोड़ जवाब भी दिया, मगर इस मामले में सारी सूरत हाल में हमारे 10 जवान थे जो कि शहादत का रुतबा जिन्हें नसीब हुआ। उन शहीदों से मुतालिक हम आपके साथ बात करते रहेंगे, उनके साथ भी आपको मिलवाते रहेंगे, उनकी फैमिली के साथ भी बात करते रहेंगे, मगर इस वक्त जो हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान में अपने लिए आज के हीरो को चुना है उनका नाम है आकिब जावेद। मगर जब हम आकिब की बात करते हैं और उन हीरोज़ की बात करते हैं जिन्हें परसों हफ्ते के रोज़ शहादत का रुतबा नसीब हुआ, ये तमाम लोग हमारे हीरोज़ हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में आराम से चैन की नींद सोते हैं। इस नौजवान को देखने के बाद, इस नौजवान के बारे में जानने के बाद बहुत सारी बातें हम कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने वालिद को कई बार भेजने से पहले सोचते हैं, मगर जब आपका बेटा हो और आप उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएँ तो क्या ही बात है उस जज्बे की। मेरे साथ इस वक्त फिर से बात करने के लिए मौजूद हैं आकिब जावेद के वालिद लेफ्टिनेंट मोहम्मद जावेद साहब। सर, मैं आपको वेलकम करूंगी सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं सर ये जानना चाह रही थी कि जब हम बेटे की वफात होती है, इंतकाल होता है, तो लोग जाते हैं और उनका गम बांटते हैं। मैं चाह रही हूँ आप उस फ़ख्र को हमारे साथ बांट लीजिए आज हमारे शो में कि कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आप आकिब जावेद की शहादत के रुतबे पर फायज होने के बाद। मुझे अपने बेटे की शहादत के ऊपर बहुत फ़ख्र है। अगर मैं पूरे पाकिस्तान के सामने बात करूं तो शायद बहरा के इस इलाके को कोई ना जानता होगा, जहां आज मेरे इस गांव के अंदर बेटे ने एक पाकिस्तानी परचम लहराया है। मुझे अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। जब मुझे शहादत की खबर उसके दोस्तों ने दी तो मुझे तो वो खुशी नसीब हुई जो बयान नहीं की जा सकती इस कौम के सामने, और जो मुझे मोहब्बत मिली पूरे पाकिस्तान से वो शायद मैं इस कौम के सामने बयान ना कर सकूं, और ना ही इतनी मुझे तवक्को थी इस पाकिस्तानी कौम से मुझे इतना प्यार और इतना जज्बा मिलेगा। सर, मैं आपसे बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहती हूं। अभी हम आकिब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, आकिब की चंद तस्वीर जो हम तक पहुंची वो हमने अपने देखने वालों के साथ भी शेयर की। वो चेहरे पर एक हंसी मुस्कुराहट, वो आंखों में एक चमक आकिब के हमें नज़र आई कुछ तस्वीरों के अंदर। मैंने हर बाप को देखा है रोते हुए, शायद सोगवार देखा है, ना मांखों के साथ देखा है, मगर आपके चेहरे पर भी आपके बेटे की जैसी मुस्कुराहट मुझे नज़र आ रही है, वैसे ही आंखों में चमक नज़र आ रही है, इतना हौसला कहाँ से मिलता है? मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे बेटे पे भी फ़ख्र है और मुझे अपने ऊपर भी फ़ख्र है कि मेरी ज़िंदगी सारी मैदान जंग में गुजरी है और अभी तक मैदान जंग में शायद हूँ। तो मिलिट्री अफसर के लिए इस वक्त या ऐसे मौके के ऊपर पीछे हटना या रोना, आंसू बहाना, ये जेब नहीं देता। जो मेरी जुर्रत, मेरी शान के ख़िलाफ़ है, शहीद बेटे के सामने बैठ के मैं रोऊँ। मुझे खुद शहादत की तलब थी, ज़िंदगी में नहीं मिल सकी, शायद बेटे की शक्ल में अल्लाह ताला ने नसीब की और मैं आज शहीद का बाप बन के बैठ के पूरी कौम के सामने बैठा हूँ। मुझे इस पे भी फ़ख्र है।
जो शायद मेरी किस्मत में नहीं था, इतनी सर्विस करने के बाद भी ये काम मैं कर सकूं जो मेरे बेटे ने सिर्फ 25 साल की उम्र में कर दिखाया। बिल्कुल, आपका बेटा यकीनी तौर पे पाक फ़ौज के हर जवान, चाहे वो किसी भी फील्ड का जवान हो, सबकत लेने की कोशिश करता है और कोशिश करता है शहादत के रुतबे पर फायज हो। तो कैसा खुदा का करना है कि आपका बेटा अपने वालिद पे ही वो सबकत ले गया शहादत के रुतबे पर। सर 25 साल के थे सिर्फ आकिब, और चंद दिन के बाद माशाल्लाह से अल्लाह ताला की तरफ से आपको खुशी भी मिलने वाली थी। आप लोग सेहरा सजाने के लिए मुंतजर थे आकिब जावेद के सर पर। 24 अगस्त की तारीख जो आपने हमारे साथ शेयर की कि आकिब की शादी होने वाली थी, हमारे नौजवानों में बड़ा जज्बा होता है शहादत का, बेहद जज्बा होता है, वो उसी जज्बे के साथ फौज के अंदर शामिल होते हैं। आकिब के अंदर ये कितना जज्बा था शहादत का, और किस किस्म के नौजवान थे आकिब, कैसा जज्बा वो रखते थे फौज में जाने से मुतालिक, शहादत से मुतालिक, वतन के लिए कुछ कर जाने से मुतालिक? वक्त मुल्क के लिए तो उसको करने का जज्बा बचपन से ही था। अब चूंकि मेरी सर्विस फौज में है तो फौजी के बच्चे फौजी ही बनना पसंद करते हैं, जिस तरह बाकी प्रोफेशनल लोगों के बच्चे उस प्रोफेशन में जाने के लिए खुश होते हैं, इसी तरह एक मिलिट्री अफसर का बेटा भी मिलिट्री में जाने के लिए बेताब था। और जो मिलिट्री में जाने के लिए बेताब होता है उसको ये बात बिल्कुल मालूम होती है कि ये दिन भी इसी वक्त भी आ सकता है कि दुश्मन के सामने जान का नजराना पेश करना पड़ सकता है। और अगर ये जज्बा ना हो तो शायद अपने से 14 गुना बड़ा मुल्क या 27 फरवरी का अगर मैं वाकया यहाँ बयान करूँ तो शायद इतनी कम फौज, इतनी बड़ी फौज के सामने इस तरह सरखरु ना हो रही होती कि अगर शहादत का जज्बा हमारे अंदर मौजूद ना होता था। बेशक बेशक, ये वो जज्बा है जो हमें तमाम अफवाज का, तमाम अफवाज के ऊपर दुनिया भर की जहाँ पर हैं वहाँ से उनके ऊपर सबकत ले जाने की बात करता है, सबकत ले जाने पर मजबूर करता है। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। मैं चाह रही हूँ कि आप कोई भी जो इस वक्त माएँ आपको देख रही हैं जो अपने बच्चों को फ़ौज में भेजने की ख्वाहिशमंद है, या वो बेटे जो फ़ौज में जाना चाहते हैं या कुछ कर जाने का जज्बा रखते हैं, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? उनके लिए मेरा पैगाम है कि मिलिट्री के अंदर एक मिलिट्री अफसर ही नहीं बनता या मिलिट्री सोल्जर ही नहीं बनता, मिलिट्री इतनी तालीम देती है कि शायद पाकिस्तान की ना तो कोई यूनिवर्सिटी इस वक्त तक दे रही है और ना ही कोई कॉलेज इस तरह की कोई तालीम दे रहे है। जो पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर इंसानियत की तरबियत होती है और तालीम होती है, शायद बाहर पाकिस्तानी किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं अपने कौम के बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो ना एक प्रोफेशनल बनते हैं, अपनी तालीम जारी रखते हैं। शायद ऐसा कोई और डिपार्टमेंट नहीं है पाकिस्तान का जहाँ PhD तक तालीम दी जाती हो, वाहिद मिलिट्री का ये एक प्रोफेशनलिज्म है जहाँ साथ साथ आपको पढ़ने के वो मौके मयसर होते हैं जो बयान नहीं किए जा सकते, और हर रैंक के साथ आपकी क्लासेस होती हैं जो कि तालीम प्रोफेशन के साथ साथ आपकी तालीम भी बढ़ती जाती है, जिससे आपकी ज़हनी तरबियत, आपकी ज़हनी सलाहियत भी आगे बढ़ती चली जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कौम को आपके ऊपर फ़ख्र है, पूरी कौम को आकिब के ऊपर फ़ख्र है, पूरी कौम को उन तमाम जवानों पर फ़ख्र है जो शहादत के रुतबे पर फायज हुए या होते हैं। बहुत शुक्रिया। पूरी कौम को फ़ख्र है अपने इन शहीदों के ऊपर, और सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम सलाम पेश करती है उन शहदा को, सलाम पेश करती है उन वालिदैन को जो अपने जिगर गोशों को सरहद पर लड़ने के लिए भेजते हैं। ये जिगर गोशे सरहद पर इसलिए जाते हैं ताकि आप और हम सब लोग आराम से चैन के साथ अपने घरों में सो सकें, अपने काम सर अंजाम दे सकें, आज़ादी के साथ घूम सकें, आज़ादी की नेमत को इंजॉय कर सकें। मगर ये आज़ादी की नेमत हमारे इंजॉय करने की जब बात आती है तो धरती में हर शख्स इसको इंजॉय कर रहा है, और वो धरती भी इतनी ही खूबसूरत है। मेरे मुल्क की जब बात होती है, मेरे पाकिस्तान की जब बात होती है, तो हम आपको सैर कराते हैं हर उस शहर की जिसके लिए ये फौजी जवान अपनी सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा पाकिस्तान में आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे शहर में जिससे आप सब लोग नाम से वाकिफ़ होंगे, मगर इस शहर के अंदर कितने खूबसूरती पनहा है वो चलिए आपको दिखाते हैं।
नारोवाल पाकिस्तान का ऐसा जिला जहां सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ती है और हर सू चानन कर देती है। इस जिले को ये एजाज भी हासिल है कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम भी यहां से शुरू होता है। इस जिले की जमीन बड़ी मर्दमखेज है। इसने बड़े बड़े सपूत पैदा किए जिनमें फैज अहमद फैज, पीर हबीबुल्ला सब्जवारी, पीर सैयद जमात अली शाह अलीपुर शरीफ, जिन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान बनने के वक्त लाखों रुपए फंड दिए। इस जिले में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा साल इसी धरती पर गुजारे हैं। नारोवाल से 17 किलोमीटर शकरगढ़ रोड पर सिख मजहब के रहनुमा बाबा गुरु नानक देव जी का खूबसूरत दरबार वाकई है, जो दरबार साहब करतारपुर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। सिख मजहब के रहनुमा बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा अरसा 18 साल और 4 माह यहाँ गुजारे। सिखों के लिए ये जगह इसलिए भी मोहतरम और मुकद्दस जानी जाती है क्योंकि इस जगह पर बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी में अपने हाथों से काम किया और अपने हाथों से कुएं से पानी निकालकर अपनी जमीनों को सैराब करते थे। दरबार करतारपुर वो जगह है जहां पर मुसलमान भी बड़ी तादाद में आते हैं, जो बाबा गुरु नानक की कब्र पर फातेहखानी करते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही बाबा गुरु नानक की समाधि भी है, जहां पर दुनिया भर से सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करने आते हैं। 28 नवम्बर 2018 को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और भारत के साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान पाक भारत राहदारी मनसूबे का इफ्तिताह किया तो पूरी दुनिया के सिखों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इससे कबल भारत में बसने वाले सिख यात्रियों को भारतीय बॉर्डर के करीब दर्शन पॉइंट से दर्शन करवाए जाते थे और जिन खुशनसीब सिख यात्रियों को पाकिस्तान का वीजा मिल जाता वो इंतहाई खुशनसीब तसव्वुर किए जाते थे और उन्हें भी सैकड़ों मील का सफर तय करके दरबार करतारपुर आना पड़ता था। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जो वादा नवजोत सिंह सिद्धू से किया था, इस वादे की तकमील का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से राहदारी मनसूबे पर दिन रात काम जारी है और काम की रफ्तार से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम अपने मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। राहदारी मनसूबे पर तामीराती काम जिसमें दरिया रावी और नाला बई पर 800 मीटर पुल का काम मुकम्मल हो चुका है। 0 पॉइंट से मेन शकरगढ़ रोड तक सड़क तैयार, एंट्री गेट, तालाब, लंगर हाल, मेहमान खाना, दर्शन स्थान, टॉयलेट ब्लॉक्स, एडमिन बिल्डिंग, रिहायशी इमारतों का 90% बिल्डिंग वर्क मुकम्मल, बॉर्डर टर्मिनल की इमारत और पार्किंग एरिया तकमील के करीब, लैंडस्केपिंग और पौधे भी लगाए जा रहे हैं। जबकि इसके इहाते में मौजूद बाबा गुरु नानक से मंसूब 3 कुओं की तारीखी अहमियत के पेश नजर तज़ईन और आरइश जारी है। दरबार में दाखिले के लिए 2 अतराफ गेट और तालाब मुकम्मल कर दिए गए हैं। बाबा गुरु नानक से वाबस्ता खेतों की अज़सरेनो बहाली और तामीर के साथ साथ खेतों का रकबा भी 3 एकड़ से बढ़ाकर 62 एकड़ कर दिया गया है। इससे पहले सिख यात्री जब दरबार करतारपुर पहुँचते थे तो उन्हें मीलों का सफर तय करके आना पड़ता था, लेकिन अब ये सफर सिर्फ 4 किलोमीटर रह जाएगा। भारतीय सिख यात्री बाबा गुरु नानक के दर्शन मुख्तसर वक्त में करतारपुर आकर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद चंद घंटे कयाम के बाद वापस भारत रवाना हो सकेंगे। अहम मसला है जिसमें सारा खेल होता है पैसे का। यंगस्टर्स को, हमारी यंग जनरेशन क्या हो, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी की मतलब किसी भी फेज़ के अंदर आप मौजूद हैं, पैसा एक वो चीज़ है, ये वो ज़रूरत है जो आप कहते हो कि हमारी ज़रूरत भी है, हमारी लग्जरी भी है, हमें अपनी लग्जरी के लिए भी पैसा कमाना है। ये पैसे की जो अर्निंग है इसके लिए हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने जहन में प्लान करते हैं और शायद ऐसा होता है बच्चे, मैं कहती हूँ कि मैट्रिक के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उनको यही होता है कि यार पैसा कमाना है, मुझे ये सब्जेक्ट्स रखने चाहिए, मुझे ये डिग्री लेनी चाहिए, मुझे ये कोर्स करना चाहिए, मुझे नई जगह पे इंटर्नशिप करनी चाहिए, मुझे 3 महीने की इंटर्नशिप करनी है, साल भर की करनी है, अच्छा मुझे किसी चैनल में चले जाना चाहिए। ये वो सारी गेम सिर्फ पैसे की होती है कि हम सोच के बैठे हुए होते हैं कि हमें पैसा कमाना है और पैसे को हम अपनी ज़रूरत के तौर पे तो गिरदानते हैं, मगर हम कहते हैं हमें बहुत सारा पैसा चाहिए अपनी आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, मगर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही पैसा कमाना है। सोचना, प्लानिंग करना बड़ा आसान है, मगर इस पैसे को किस तरह से कमाया जाए ये बड़ा मुश्किल है और किन बेहतर तरीक़ों से कमाया जाए, किसी भी गलत तरीके से नहीं, दुरुस्त तरीके कौन से हैं जिनसे आप पैसा कमा सकें और अच्छे तरीके से कमा सकें, वो तमाम नौजवान
नौजवान यंगस्टर जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, अगर वो भी इस मौजू पे हमारे साथ को बात करना चाहते हैं तो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और मैं इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं, मैं कहूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा उन्हें देखते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं, आपको एक सही रहनुमाई देते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी बताते हैं बातें कि आप अंधेरों से निकल के कुछ अपने लिए रोशनी तलाश कर सकें। तो यहाँ पे मैं वेलकम करूँगी कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब आपको मैं वेलकम करूँगी सवेरे पाकिस्तान में, तो आप भी अगर कासिम साहब से बात करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किसी मसले का हल चाहते हैं, तो आप इन्हें कॉल करके इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अच्छा कासिम साहब, सबसे पहला पॉइंट पैसा, ये आपकी भी ज़रूरत है, मेरी भी और शायद इस मुल्क में बसने वाले हर बासी की ज़रूरत है कि पैसा कमाया जाए, मगर पैसे का जो हुसूल है इसको कमाना आसान है या आप समझते हैं कि बहुत मुश्किल काम है पैसा कमाना? बहुत शुक्रिया 92 का और आपका भी। देखिए पैसा, जब भी पैसे के पीछे भागेंगे दो चांसेस हैं, एक तो नहीं आएगा। अच्छा, ये नहीं आएगा, प्लानिंग फेल होती है। मैं बताता हूँ होता क्या, और जब भी आप पैसे के पीछे भागेंगे मुमकिन है आ जाए लेकिन साथ आपकी इज्जत गवा दे। हाँ। बेशुमार ऐसी कहानी है हमारे पास। पैसा हमेशा आसानी से तब आता है जब आप अपने ही काम में मुनफरिद और काबिल होते हैं। क्या बात है। आप मिसाल ले लीजिए, एक एंकर है और एक एनालिस्ट है, एक गेस्ट है, अगर वो रूटीन का है और चैनल के पीछे भाग रहा है। हाँ। और चैनलों के पीछे भाग रहा है तो आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है, कहीं ना कहीं अड़ तो जाता है लेकिन मुमकिन है कि उसको 6-6 माह तक खाना मिले। अक्सर जगहों पे हमें ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। वैसे हम कहीं ऑफ एयर में डिस्कस भी कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसकी काबिलियत है या जो बड़ा मोहताज नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी काबिलियत है, वो मुनफरिद है, वो यूनिक है, उसकी जरूरत है, तो मुमकिन है कि लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हो, भाग रहे हो कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अब होता यह है कि हमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तालीमी इदारे ये नहीं सिखाते कि तुमने काबिल बनना है। काबिल बनने की बात नहीं होती, कामयाब बनने की प्रीचिंग की जाती है। कामयाब का मतलब भी क्या है, पैसे कमाने। हाँ। नौकरी हासिल करनी है। ये एक मीनिंग है, बिल्कुल। ये कोई नहीं कहता कि तुम काबिल बनोगे तो पैसा ज्यादा आएगा, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ क्योंकि मेरा तो अपना सफर इस सारी कहानी में, एक लेक्चरर की जितनी तनख्वाह होती है, एक प्रोफेसर की जितनी तनख्वाह होती है पूरे महीने की, चलें जी मैं 20वें 21वें ग्रेड के प्रोफेसर की बात करूं, मुमकिन है एक अच्छा कंसल्टेंट एचआर का, एक ट्रेनर दो घंटे में उतने पैसे कमाता हूँ। हाँ। क्या जरूरत पड़ी है वो महीना काम करे फिर कमाए? ब्लैकमेल भी हो HOD के हाथों। हाँ। वाइस चांसलर के हाथों, बच्चों के हाथों और जो वहां पर यूनियंस चल रही यूनिवर्सिटियों में उनके हाथों, जो घर लेके जाता हो अपने साथ, उससे बदरजा बेहतर है। हाँ। वो कहीं रुके। एक बड़ी अच्छी कहानी स्टीफन कुए की किताब 7 Habits में है और बड़ी मारूफ दुनिया की कहानी है। वो कहते एक शख्स गया, कहीं जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा बाबा आरे से एक दरख्त काट रहा था। अच्छा। उसने उसे पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहते जी सुबह सुबह दरख्त काट रहा हूँ और मैंने क्या करना। बंदा चला गया अपने काम पे, 92 में वो जॉब करता था, शाम को वापस आया 92 से, उसने देखा वही बाबा, वही दरख्त और वही आरा वो काट रहा था। उसने हाँ। बाबे के कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा जी मैं पूरा दिन 92 पे काम करके आया हूँ। हाँ। शाम हो गई है, तुम उसी दरख्त को काट रहे हो, वही आरा और वही तुम हो। उसने कहा भाई मेरा आरा खुंड है। आए, आरा अच्छा। उसने कहा थोड़ा सा टाइम निकालो, आरे को रखो, आरे को तेज कर दो। उन्हें कहा पुत्र इतना टाइम मेरे को कोई नहीं, सारा दिन उधर ख्वारी काट दिन बर्बाद कर लिया, वो काबिल नहीं बना। हम लोग अपने आरे को तेज नहीं करते, हम अपनी सलाहियत को बेहतर नहीं करते। जब हम अपनी सलाहियत को, अपने कंटेंट को, अपनी जात पे इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी ग्रूमिंग नहीं करते और वो इंक्यूबेशन जो चाहिए सर्वत वो नहीं होती, तो सारी जिंदगी सस्ते बिकते हैं। कोई काम, सर्विस है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, कमाएगा वो जो काबिल होगा, जो मुनफरिद होगा। हाँ, नहीं लेकिन ये भी तो देखे ना कासिम साहब, आप ये तो बात कर रहे हैं, अब जैसे आपने वो आरे वाली मिसाल भी मुझे दी कि जी उसका आरा खुंडा था, वो तेज़ नहीं कर सका, ये मामलात हो गए उसके साथ। बहुत सारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, मैं तो कहती हूँ कि यंगस्टर्स तो हम उनको बेचारों को डाल देते हैं अंदर, बड़े बड़े ऐसे मेच्योर लोग भी हैं जो किसी एक फील्ड में नाकाम हो जाते हैं या फिर वो समझते हैं कि जी पैसा कमाना है तो मुझे शॉर्टकट लेना होगा। हर इदारे में शॉर्टकट की मिसालें मिलती हैं, वो चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो, शॉर्टकट आता है उनकी ज़िंदगी में भी, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, शॉर्टकट ले लो। शॉर्टकट सही तरीका है। एक तो शॉर्टकट शॉर्ट टर्म होता है,
हाँ, ये नहीं लोग समझते। एक बड़ा पंजाबी में अच्छा वर्ड है शॉर्ट, दा लगाना ना, दा दा लग जाता है। हाँ, दा लग एक बात याद रखिए कि जब भी दा लगेगा ये शॉर्टकट होगा, एक बड़ी ही कीमती चीज डैमेज हो जाएगी। एक फैक्ट्री को आग लगेगी तो ये छोटी सी फैक्ट्री मिलेगी आपको पैसा, वो जो बड़ी सी फैक्ट्री को आग लगती है वो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका इमेज है। मैं मिसाल देता हूँ सरबत, हम इस मीडिया इंडस्ट्री में बैठे हुए, इस सारे चैनल्स में खुदा ना खास्ता अगर कोई बदनाम है, कोई उसे लेने को तैयार नहीं है, कोई मुतनाज़ है उसको लेने को तैयार नहीं है, ऐसे ही, किसी ऐसे के बारे में अगर मशहूर है कि जी वो ये काबिल बाद नहीं में है, अदालत चला जाता है, तंग करता है, खराब करता है, ब्लैकमेल करता है, उसकी यहाँ काबिलियत पे भी चले डाउट है, ये नेगेटिव है, नहीं उसको लाइक किया जाएगा। याद रखिए जब भी शॉर्ट टर्म होगा और शॉर्टकट लगेगा तो आपकी वो ग्रूमिंग कामयाबी को संभालने की ग्रूमिंग नहीं हुई होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए या बारी ताला हमें ऐसी कामयाबियां अता फरमा जो हम संभाल भी सके। हाँ। अगर फर्ज करें किसी का बिलियन रुपीस निकला है इनाम, क्या होगा? यूके में रिसर्च हुई है, बड़ी मरूफ रिसर्च है, हमारे कॉलम निगार जावेद चौधरी ने कॉलम भी लिखा हुआ इस पर, वो कॉलम लिख के भी बताते हैं, मैंने वो ब्लॉग भी पढ़ा कि जिन लोगों की लॉटरियाँ निकलती हैं 2 साल के बाद 99% दोबारा कंगले हो जाते हैं। आए, ये वैसे जैसे वो कहते हैं ना, आता है वैसे ही जाता है। मेरे साथ काजिम साहब एक कॉलर भी मौजूद है, मैं कह रही हूँ उनसे भी साथ बात करते हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं याजा कराची से। जी याजा बात कीजिए। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बात कीजिए। आपके मौजूद मेहमान को भी सलाम हो, और वाकई ये मोटिवेशनल स्पीकर मुझे लग रहे हैं वाकई हैं, क्योंकि इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। देखिए सर, पैसा कमाना मुश्किल है आजकल के दौर में, आसान नहीं है, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम पैसा फौरन शॉर्टकट पे नहीं कमा सकते। आजकल के जो नौजवान है वो चाहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाए, ऐसा होता नहीं है। वो अगर 30-35 हज़ार की उनको नौकरी मिल रही होती है, 20 हज़ार की मिल रही होती है, वो कहते नहीं हमें, हमने इतना पढ़ा है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, उस चक्कर में उस नौकरी से ही चले जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो ये कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा, देखिए आज हमारे माशरे के अंदर पैसा कमाना मुश्किल है, और वो लोग जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, दे अर्निंग टू मच। अब लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, यार मैं तो इतनी मेहनत करके इस जगह पहुंचा नहीं हूं, और ये 2 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच गया, जाली डिग्री वाले कहीं से कहीं पहुंच गए। मेरा इनसे पर्टिकुलरली सही सवाल है कि मेरा बच्चा, मेरा अगर कोई नौजवान ये देखता है और वो इससे डिस्करेज होता है क्योंकि उसको उसकी उसकी मेरिट पे उसको मिल नहीं रहा, तो व्हाट इज द रीजन, हाउ कैन आई कन्विंस हिम टू स्टे कि आप सच पे खड़े रहें और आप अपनी मेहनत पे खड़े रहें तो आप ग्रूम अप कर सकते हैं, आप आगे निकल सकते हैं, ये मुझे पूछना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शाहिद, बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा कासिम साहब। ये हर वो नुक्ता इन्होंने याजा साहब ने अपनी कॉल में उठाया जो हमारे जहनों में आता है, और हम समझते हैं कि यार नहीं, हम तो बच्चा तो डीमोरलाइज हो गया, आप तो नहीं आगे जा सकता। अच्छा देखिए, ये एक कह लीजिए पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पॉइंट ऑफ व्यू बनने में भी एक वजह है, इस माशरे में जो मेरिट पे खो रहे ना काम वो भी दिखाई नहीं जा रहे। एक पूरे कॉमन में CSS के 200-250 बच्चा होता है, एक बंदे की सिफारिश नहीं होती। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप साबित करके दिखा दें, एक बंदे की सिफारिश नहीं होती। हर साल कितने लोग मुख्तलिफ तरह के इम्तिहान पास करते हैं, अच्छी सीटों अच्छे उदों पर जाके बैठते हैं। हाँ। गरीबों के बच्चे होते हैं, बैकग्राउंड नहीं होता उनका, कोई कोई अखबार फेंक रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, कुछ छोटी सी जॉब करके वो अपनी कमाई पूरी करके मुकाबले का इम्तिहान देता है। ये बड़ी मिसाल है कासिम साहब, लेकिन ये तो आटे में नमक के बराबर लोग ही आपको बता रहे हैं। होता क्या है, हमारा मीडिया इन या मीडिया कह लें कलेक्टिव सोसाइटी, ये जितने अच्छे काम या जो ऑर्गेनिक वे में ग्रो करके ऊपर गए उनको स्टोरी या सक्सेस स्टोरी नहीं मानता। होता क्या, ग्लैमर आते ही है कि जब चंद कहानी है जो अचानक से अमीर हुई हैं और अचानक से कुछ बने हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, और बड़ा कुछ अच्छा जो है वो दिखाया नहीं जा रहा होता। मैं आज भी ये रिकमेंड करूँगा अपने बच्चों को भी कि शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, हमने वैल्यूज एथिक्स के साथ चलना है। हाँ। और 2 जगह से रिजेक्शन का मतलब जिंदगी नहीं रुक जाती, 4 जगह से ना का मतलब ये नहीं है कि दरवाजे सारे बंद हो गए, लोग तो हौसला ही छोड़ देते हैं अपने। ये जल्दी हिम्मत, मैं बड़े लोग, मुझे एक बच्चा आके कहने लगा सरबत, वो कहता है कि जी मैंने जॉब के लिए बड़ी बार ट्राई किया है और मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने कहा बैठ जाओ, उंगली पे गिनते हैं कितनी बार ट्राई किया, 3 से ज्यादा पे मैं नहीं जा सका, 3 उसकी कोशिशें थी और दिल हार चुका था। ये हम 3 को बड़ी बार कहते हैं, ये जब हम अपनी हिम्मत छोड़ते हैं और उम्मीद छोड़ते हैं उसका नुकसान ही होता है, कितनी अपॉर्चुनिटीज पड़ी होती हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटीज की आप कासिम से बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज में कहती हूँ कि शायद ही कोई शख्स हो जिसको ना मिलती हो, किसी ना किसी फील्ड में किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। कुछ तो नौजवान वो हैं जो मिलती भी है तो कहते हैं यार मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरे काबिल नहीं है, यानी ये नहीं पता होता आप उस नौकरी के काबिल हो ना हो,
वो नौकरी इनके काबिल नहीं होती। और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनके पास बेशबहार डिग्रियां हैं मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, इसकी क्या वजह? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। वो जो बेशबहार डिग्री हैं, ये बड़े बड़े मेडल लेने वाले बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिलती, आप कभी उनका इंटरव्यू लेके देखिए, आप उन बच्चों को ज़रा ढूंढिए। कोई एक टीवी प्रोग्राम ऐसा करते हैं जिसमें हम अपनी तारीख हिस्ट्री का, यूनिवर्सिटी पंजाब का वो टॉपर बुला लेते हैं जिसने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक है जी, तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, मैं बुला लेता हूँ उसको। 125 साल रिकॉर्ड तोड़ने वाला बच्चा पिछले 7 साल से हर इंटरव्यू में फेल हो जाता है, रिटन क्लियर कर जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं, ग्रूमिंग नहीं है, उसका कसूर कोई नहीं है, थारो जेंटलमैन बच्चा। ये आपके एजुकेशन सिस्टम का कसूर है जो डिग्री थमा देता है और सलाहियत पैदा नहीं करता, ये प्रोफेसर का कसूर है जो पढ़ाता है और क्रिएटिव नहीं बनाता, ये आपके निजामे तालीम यूनिवर्सिटियों कॉलेजों 188 यूनिवर्सिटियों का कसूर है जो पढ़ाने लिखाने के बावजूद बच्चे के अंदर वैल्यूज बिल्ड नहीं कर पाते। सो होता क्या है, जब वो जाता है मार्केट में, जब इतना कंपटीशन होगा, आपने कभी देखा कांस्टेबल की भर्ती खुले क्या होता है? पीएचडी एमफिल अप्लाई कर रहे होते हैं, एक छोटी सी जॉब पे, नायब कासद की जॉब पे आपको एमए में पास मिलने लग पड़े हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एमए पास बड़े हैं, ये मतलब भी है कि नलायक एमए पास बड़े हैं, आपके पास ढेर लगा पड़ा है डिग्रियों का, एक सफा उर्दू का नहीं लिख सकते। जिसके पास अच्छी डिग्रियां हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन बेचारों का भी तो हम देखते हैं कि नौकरियां नहीं मिल पाती और वो किसी ना किसी शक्ल में मजबूरी में इस हद तक नीचे जाते हैं कि भाई इसी नौकरी के लिए अप्लाई करते। टेस्ट कर लीजिए आप किसी भी डिग्री वाले शख्स के, उसने जिस सब्जेक्ट में डिग्री की है उसे कहें कि इस सब्जेक्ट में उसने निसाब के अलावा किताबें कौन सी पढ़ी हैं, कोई लाइब्रेरी में जाके खुद छाना, कोई रिसर्च की है, कोई काम किया है, में कोई शायद ही जाता हूं। सवाल ही फिर पैदा नहीं होता। अब पूरी कौम हमारी लगी खुलासों के पीछे, 30 साल में जितना खुलासा बिका है ना, गैस पेपर कितने बिके हैं, गैस पेपर कितने बिके हैं, खुलासा तो बिकता बिकता गैस पेपर भी शॉर्टकट्स सारे के सारे हमें मिल गए, मटेरियल यहां से लेके यहां तक, ये स्लाइडें आ गई, प्रोफेसरों को पढ़ाना कोई नहीं आता। नतीजा क्या है कि एक बड़ी तादाद हम ऐसे लोगों की पास आउट कर रहे हैं जिनके पास डिग्री है, नंबर है, सब कुछ है, सलाहियत कोई नहीं है, कोई नहीं। राज करता है बंदा स्किल्स से, जब स्किल्स ही नहीं होती तो फिर होता क्या है, वो डिग्री होती है और वो एक एक गाली बन जाती है कि ये देखो मैंने एमफिल किया हुआ है। आप नोट करें, बीए बड़ा होता था 70 की दहाई में, कहते थे वाह वाह इसने तो ग्रेजुएशन किया, बीए किया। मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि 81, 82, 83 में एमए इकोनॉमिक्स को 10-10 नौकरियां मिलती थी, ये जॉब भी है, ये जॉब। आज क्या हो गया, आपका एमए इंग्लिश उसका मियार ये एक सफा अंग्रेजी का नहीं लिख सकता। एमएससी साइकोलॉजी बच्चों को मैंने देखा, उनकी अपनी साइकोलॉजी ठीक नहीं बेचारों की होती, लोगों को मैंने देखा। मीडिया साइंसेस पढ़ने के बाद आप देखो फौज निकल रही है, लड़के लड़कियों के टेंसेस इतने खराब होते हैं कि बस आपसे ही कह रहे हैं शायद देखो पर्चा वो एक ही लिख सकें इंग्लिश में। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है अब्दुल जब्बार, उनसे बात करते हैं। जी जब्बार साहब बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बात कीजिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका। शाह साहब को सलाम, मेरा शाह साहब से बात करनी है। जी जी, वो सुन रहे हैं, आप बात करते रहे। जी शाह साहब, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब, सवाल ये है कि जो बिल्कुल लोग घर में बैठे हैं, फारिग हैं, तो कहते हैं कामयाबी भी हो ठीक है तो काम भी ना करना पड़े, क्या काम उनके लिए आपका? ठीक है, थैंक यू सो मच जबर साहब आपने हमें कॉल की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है इमरान, उनसे बात करते हैं। जी इमरान बात कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हवलपुर से बात कर रहा हूँ। शाह साहब का मेरा बहुत बहुत सलाम, मैं इनका व्हाट्सएप और टीवी पे ही फैन बहुत ज्यादा, और जिंदगी में अगर मेरा मौका मिले तो इनके साथ कुछ टाइम कुछ अरसा इनकी खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। लेकिन इसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम अपने जहाँ माशरे में इर्द गिर्द रहते हैं, मोहल्ले में, गली में, इलाके में, वहाँ हम अपना अच्छा वकार बनाने के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए कि हर कोई एक दूसरे को प्यार करे, और जो बंदा मतलब मैं ही हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ या बहुत जो भी हूँ, मैं इसमें अपना बार बनाना चाहता हूँ कि हर बंदे को मैं अच्छा लगूँ, अच्छा पेश आने की कोशिश करूँ। ठीक है इमरान, इस पे भी बात करते हैं, थैंक यू आपने कॉल की। हामिद हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी हामिद बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने शाह साहब से यही पूछना था कि जैसे कि भाई अभी इमरान ने जो बावलपुर से कॉल की है जी, तो उसने भी यही कहा है कि जो एक तो पढ़े लोग हैं जो वो जो है काम जॉब करने के लिए ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब नहीं, जो घर के अंदर जो फारिग बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो उनके लिए शाह साहब क्या कहते हैं कि वो घरों में बैठकर अपना क्या काम करें और अपनी जिंदगी को पैसा कमा कर अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को और अपनी जो है ना फैमिली को आगे बढ़ा सकें, ये जरा उनको बताएं कि जो है ना मशवरा दें अपने जो अनपढ़ लोग हैं जो घरों में बैठकर अपना काम करना चाहते हैं, उसके बारे में जरा बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मेरे भाई आपने हमें कॉल की, जान लेते हैं। अच्छा कासिम साहब, दो तो सवाल एक ही तरह के थे,
ठीक है, एक सवाल मुश्किल था, मैं कह रही थी हामिद और जो हमारे पहले कॉलर थे उन्होंने कॉल की थी, उनका पहले आंसर कर। अच्छा देखिए, जो जॉब है उसके लिए माइंड सेट चाहिए और कारोबार के लिए भी माइंड सेट चाहिए। जो जॉब माइंड सेट है उसमें जॉब का मतलब ये किसी का काम चल रहा है उसमें आप फिट हो गए, आपने उसमें अपना टास्क ढूंढा, सुबह 9 बजे गए, शाम 5 बजे ऑफ किया, महीने की तनख्वाह ली, साल का इंतजार किया, इंक्रीमेंट लगा, बॉस को खुश रखा, बॉस से दुआएं ली, माँ से दुआएं ली और जिंदगी गुजर गई। आपके बिजनेस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, आपको टीम बनानी आनी चाहिए, आपको देखना पड़ेगा। अब इस मुल्क में मेरा मानना है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं नहीं है, मैं आपको साबित कर देता हूँ। लोग कहते हैं कासिम साहब के 10,000, 20,000, 15,000 वाली अपॉर्चुनिटी, मैं इसका क्या करूँ? ये अपॉर्चुनिटी जॉब में आप कह रहे हैं ना जी, आप जरा आइए और ढूंढिए, जाके देखिए, इस मुल्क में आपको काबिल प्लम्बर नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर आप जरा सर्च कीजिए, ढूंढिए, आपको कारपेंटर अच्छा नहीं मिलेगा। आप जरा जाके ढूंढिए और देखिए, आपको काबिल कंटेंट राइटर नहीं मिलेगा। हाँ, आप जाके जरा ढूंढिए और देखिए, आपको छोटे छोटे जो काम है आपने करवाने हैं वो आपको काबिल बंदा नहीं मिलेगा। जब ये छोटे छोटे टास्कों के लिए काबिल नहीं मिलते तो आप क्यों अपॉर्चुनिटीज नहीं है? तो यहाँ पर तो बड़ी स्पेस पड़ी हुई है काबिल बंदों के लिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं, अब एक ऐसा बंदा है जो कहता है कि जी मैं देखता हूँ लोगों की एक प्रॉब्लम है कि उनको प्लम्बर नहीं मिलता, वो 10 प्लम्बर रख लेता, कंपनी बन जाती है, बिजनेस शुरू हो जाता है। इस माशरे में ना काम के लिए इंसल्ट बड़ी है, नौकरी करवा दो सानू, हर कोई कहता है। मैं किसी को कहता हूँ आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो कहता है जी मैं नौकरी लुवा दो, मैं कहना तेन कारोबार शुरू कराने, कहना नहीं, यहाँ लोग पैसे लेके पास जाते हैं, तुम कारोबार शुरू कराओ, यहाँ कहते सारी नौकरी करा दो। रीजन क्या है? लोग जहनी तौर पर तैयार नहीं है। एक बंदे को काम से शर्म आती, तरक्की कैसे करेगा? जो काम करने में आर महसूस कर रहा है वो आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे दफ्तर में छोटे से छोटा काम किसी जमाने में खुद करता रहा, मुझे आज भी शर्म नहीं आती क्योंकि मैं उस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ। और जानते हैं आपके कौन सा काम कैसे होता है। यही गलती हम बड़े बड़े लोग भी करते हैं, अपने बच्चों को ग्रूम नहीं करते। मैं ताज़ा एक मिसाल देता हूँ, चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त बिल्कुल रिटर्न, तो वो दफ्तर आए, हमारी रिसेप्शन पे एक 13 साल का बच्चा बैठा हुआ, वो बड़े हैरान हुए, कहते इसको नौकरी दे दिए, इसको क्या तनख्वाह देते हो? मैं कहा जी मुफ्त पे काम कर रहा है, 2 माह से काम इस तरह के कर रहे हैं। कहते ये कौन है? मैं कहा मेरा बेटा। अच्छा, कहते इसको यहाँ पर क्यों रखा? मैं कहा कोई सैलरी नहीं मिल रही, ये अगर कॉल अटेंड करता है, रिसीव करता है, गेस्ट को डील कर सकता है, आने वाले को टैकल कर सकता है, छोटे छोटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काम कर सकता है। ये आज करेगा तो बुनियाद बनेगी। हम लोग सारी जिंदगी हाय मेरे पुत्र काम नू आथला नहीं, हाँ। मिल्कशेक पी माँ ने बनाया। अब नतीजा क्या है? वो पप्पू जो है वो सारी जिंदगी काम नू आती लाना, वो सारी जिंदगी पप्पू ही रहता है। पप्पू की शादी हो जाती, पप्पू का पप्पू आ जाता है, वो अपने अबू से कह रहा होता है पप्पू के लिए पैंपर लाने पैसे दे। अब्बा जी आपके पप्पू का जो छोटा पप्पू है उसके पैंपर के लिए पैसे दे दे। अच्छा कासिम साहब, लोग कहते हैं मेरे पास टैलेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा पेशा, मेरी जॉब बड़ी अच्छी है, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वो बहुत आला है, और कुछ का ये स्टांस होता है नहीं नहीं मैं इतना मेहनती हूँ मगर पैसा नहीं मिलता। टैलेंट भी आपके पास हो, पेशा भी अच्छा हो, मेहनत भी आपके अंदर हो, तो पैसा कमाने के लिए फिर क्या तरीका होना चाहिए? कोई ना कोई लूप होल होता है ऐसा। मैं समझता हूँ अकलमंद बंदा वो है जो अपनी कमी को देखे और अपनी ताकत के जरिए फिल कर दे। मतलब मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया मैं मेहनती ज्यादा हूँ, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया। कैसे खुद को फिर? मैंने मेहनत से कंपलसेट कर दिया। जो बंदा 6 घंटे काम करके अपने टैलेंट की वजह से मुकम्मल कर लेता है, मैं 18 घंटे में वो काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेहनत ज्यादा कर दूंगा लेकिन मैं टैलेंटेड बंदे को कम्पीट कर जाता हूँ। ये आप अपनी ताकत से अपनी कमजोरी को कवर कर सकते हैं। मसला ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पर वीक हैं, किस चीज में कमजोर है, फिर हमें हायरिंग नहीं आती, साल लोग जोड़ने नहीं आते, टीम बनानी नहीं आती, हर काम आप खुद नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योरियल माइंड में आपको याद रखना चाहिए कि वो सारे काम जो आपने करने हैं आपको लोग चाहिए, वो एक टीम चाहिए आपको। हर बिजनेस की किताब में लिखा हुआ है कि जो बंदा खुद कामयाब होता है उसको 7 वालों को कामयाब करना पड़ता है, लॉबी बनानी पड़ती है, पड़ता जिसका है। दिल छोटा है और वो ख्वाब देखे मैंने कामयाब होना, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो कामयाब कर नहीं सकता। ये साथ जुड़े, बाज़ुकात एक बंदे की सक्सेस स्टोरी में कितनी सक्सेस स्टोरी जन्म लेती हैं बिल्कुल, और वो पूरा एक टीम वर्क होता है जो चल रहा होता है। अच्छा कासिम साहब, कोई ऐसा मैसेज जो आप देखने वालों को देना चाहें जो पैसा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं सही और दुरुस्त तरीकों से, उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें? और इसके साथ साथ वो नौजवान जो कुछ करना तो चाहते हैं मगर कोई भी कदम उठाते हुए बहुत ज्यादा डरते हैं, ना उम्मीदी उनके अंदर रहती है, उनके लिए मैं ये टिप दूंगा कि इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है। छोटे छोटे काम
लोगों के नहीं ठीक होते, लोग अपनी गाड़ी साफ करवाना चाहते हैं ना, वो प्रोफेशनल वे में नहीं होती, लोग अपना एक छोटा सा घर मेंटेन करवाना चाहते हैं वो ठीक नहीं होता, कंस्ट्रक्शन के लिए काम करवाना चाहते हैं बंदे नहीं मिल रहे होते। इस मुल्क में बेशुमार काम हैं जो ख़राब हो रहे हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। आप ज़रा अपनी आँखें खुली रखें, कान खुले रखें और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें और सुने, आपको पता लगेगा इस माशरे में बेशुमार मौके हैं। आप ढूंढेंगे, अच्छे अंदाज से करेंगे, मुनफरिद अंदाज में करेंगे और काबिल बन के करेंगे तो बहुत से पैसे कमाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे आप लोग। आप सुन लीजिए और इस टिप को, जो छोटी सी टिप है, इसको अपने पल्ले से बांध दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका कासिम अली शाह साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए, हमारे नौजवानों को आपने एक रास्ता दिखाया और वो लोग जो पैसा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ कर जाने का जज्बा रखते हैं, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी ये तमाम बातें। मुझे अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरह से कामयाबी की हम बात करते हैं, तो कामयाबी उसी सूरत में मुमकिन है जब अपने इर्द गिर्द के माहौल से आशना होंगे, हमें पता होगा कि मुल्की हालात कैसे चल रहे हैं, क्या होने जा रहा है, टैक्सेस की क्या सूरत हाल है। वैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा टैक्सेस से परेशान भी हैं और मुल्की मईशत के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन अब सुनने में आती हैं, मगर कह भी रहे हैं कि अपोजिशन अच्छा परफॉर्म कर रही है और शायद PTI भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेट्स सी कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक से वापस आके मुल्की हालात और ख़ास तौर पर आपके सितारों से मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। मेजर क्वेश्चंस हैं जो हम जानने की कोशिश करते हैं और जब हम इन बड़े सियासी रहनुमाओं की बात करते हैं तो डेफिनेटली इनका मुस्तकबिल क्या होगा ये तो हम बात करते हैं, मगर इनके मुस्तकबिल के साथ इस कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारे ही वोट लेके ये लोग इलेक्ट होते हैं और पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, मगर पार्लियामेंट में क्या होता है उन सबसे हम सब लोग वाकिफ़ हैं, जो हमें नज़र आ रहा होता है नेशनल TV के ऊपर कि क्या सूरत हाल बन रही है, प्राइवेट मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा होता है कि एक मछली मंडी होती है जहाँ पर हमारे आवाम के मसाइल की बात नहीं होती, हाँ मगर अपने ज़ाती मफाद के हवाले से बात ज़रूर हो रही होती है, एक दूसरे को ज़्यादा पुश भी किया जा रहा होता है किसी न किसी चीज़ से मुतालिक, एक दूसरे के हवाले से गलत किस्म की वर्डिंग भी यूज़ की जा रही होती है। हमारा ये क्वेश्चन होता है कि हम तंग हैं, हम परेशान हैं, हमारे लिए हमारे वोट से मुंतखब होने वाले ये सियासी रहनुमा क्या करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये थी, उम्मीद लगाई गई थी कि खान साहब आएंगे, PTI आएगी तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बहुत सारी बातें अच्छी भी हो रही हैं, बहुत सारी बातों पे आवाम शदीद गुस्से में भी और शायद परेशान भी है, उस गुस्से की क्या वजूहत हैं और आइंदा आने वाले मुल्की मईशत के क्या हालात हो सकते हैं, अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनका सियासी सफ़र अब कैसा गुजरेगा, कौन ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आएगा, खान साहब की गवर्नमेंट क्या करेगी, और इन सारी सूरतों के सूरतेहाल के साथ साथ आपके सितारे क्या कहते हैं, इन सारी सूरतेहाल पर बात करने के हमारे साथ मारूफ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं अज़ीम जाफरी साहब। अज़ीम साहब, आपको वेलकम करूंगी सुबह सवेरे पाकिस्तान में। इसके साथ साथ कराची स्टूडियो से हमारे साथ उनसा शाह हैं, टैरो कार्ड रीडर, वो भी मौजूद होंगे, उनसा आपको भी वेलकम करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अज़ीम साहब, सबसे पहले की बात होती है, वालेकुम अस्सलाम अज़ीम साहब, ये बात होती है, मैं अभी जब हम महंगाई की बात करते हैं आवाम शदीद परेशान है और जब ख़ास तौर पे कुछ त्यौहार आने वाले होते हैं तो आवाम ज़्यादा परेशान हो जाती है कि भाई किस तरह से मैनेज किया जाएगा। मैं खुद परेशान अब तो हो गई हूँ, मैं कल शॉपिंग के लिए गई, मैंने सोचा चलो ईद के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए जाएँ, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं ले सकी। उसकी वजह ये नहीं थी कि पैसे नहीं थे मेरे पास, उसकी वजह ये थी कि पैसे भी थे मगर इन पैसों के साथ साथ जो ऊपर टैक्स आपको देना पड़ रहा है वो ज़्यादा आपको दुख रहा होता है कि यार मैं इतने का सूट लूँ और इसके ऊपर इतने परसेंट मुझे टैक्स सदा करना पड़ रहा है, तो महंगाई कब कम होगी, होगी नहीं होगी, आवाम का क्या फ्यूचर रहेगा इस महंगाई के अंदर? नहीं, मेरे ख्याल में कम तो नहीं होगी, मगर जो एक इतनी आपको कुछ दिनों में लगा होगा एकदम तेजी आई है, बहुत तेजी आ गई, उसमें कुछ कंट्रोल जरूर हो जाएगा गवर्नमेंट का कि हाँ भाई आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि एकदम जैसे ये भी हो गया टैक्स लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, उसमें अब जो है ना गवर्नमेंट थोड़ा सा आवाम को कुछ ना कुछ ऐसा कोई इकदाम करेंगे जिसमें आप और मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, हाँ ये काम सही हुआ है। अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, दूसरा ये कि अब नवंबर से एक स्टार आ रहा है कि जो कि अब हर चेक एंड बैलेंस होगा, मिसाल के तौर पे इधर कोई स्टेप लिया है तो गवर्नमेंट ने, तो इधर से कोई जुडिशरी का एक अच्छा। आ जाएगा भाई ये ज़रा आप एक्सप्लेन तो करें ज़रा ये कैसे लगा रहे हैं आप, हाँ ये क्यों हुआ कैसे, अब ये स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से उनके लिए ज़रा मसला भी है कि भी है कि अच्छा। वो कोई तो स्टेप लेंगे इधर जैसा आप कहेंगे हाँ जी आ जाइए ज़रा इसका तो जवाब दे दें, ये आपने कैसे इतना बढ़ा दिया, तो होगी अब ये नवंबर से होगी,
क्योंकि नवंबर में जो जुडिशरी का एक स्टार चेंज हो रहा है उसमें कुछ सख्त किस्म का चीफ जस्टिस आएंगे और वो फिर ये चीज़ नहीं होने देंगे। अच्छा। हाँ वो कहेंगे आज ही ये जरा सर आपने आपकी वजारत ने ये काम किया है जरा इसके अंदर जवाब देते हैं जरा। अब ये सिस्टम शुरू होगा तो बीच में जो आवाम है जो बेचारी गेहूं की तरफ गन्न की तरफ पीसी जा रही है वो बच जाएगी ठीक है ना, वो बचना शुरू हो जाएगी तो उसके डर से हाँ। तो गवर्नमेंट फिर वो कहेगी जरा हौला हाथ रखो। नहीं तो अब जो महंगाई कम होने की आप बात कर रहे हैं अब कम नहीं ये भी बता दें कंट्रोल हो जाएगी कंट्रोल, हाँ। तो फिर ये नवंबर के बाद हमें कंट्रोल में नजर आएगी नवंबर ऑनवर्ड्स ही बस नवंबर से ही आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक और भी चीज हो सकती है कि अभी जैसे कामयाब दौरा कर आए प्राइम मिनिस्टर साहब तो उसके रिजल्ट में कुछ ऐसी चीजें कि वो कहें चलो यार अब पहले मैं ये प्लान कर रहा था मिसाल के तौर पर बिजली बढ़ा दूं तो चलो उसको उतनी थाम लो कुछ नौकरियां मिल जाएंगी कुछ इस तरह कुछ ना कुछ बेटरमेंट अब होना शुरू हो रही हो है नवंबर। सही है ठीक है। अच्छा उनसे जिस तरह से अजीम जाफर साहब ने बात की कि इंशाल्लाह ताला नवंबर तक हमें कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी महंगाई कुछ कंट्रोल हो जाएगी और खान साहब की भी बात की खान साहब वाकई आजकल दुनिया में तो उनके बड़े चर्चे हैं खान साहब जिस तरह से हैंडल करके आए हैं और खासतौर पर अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं जिस तरह से वाह वाह उनकी चल रही है तो खान साहब की गवर्नमेंट कैसी रहेगी और खान साहब के अपने सितारे क्या कहते हैं। जी टैरो कार्ड्स के हिसाब से जो मैंने अभी कार्ड्स महंगाई के भी निकाले हैं और गवर्नमेंट की जो सूरत हाल जो है वो भी मैंने देखी है उसमें कार्ड्स जो हैं पास्ट के और प्रेजेंट के जो कार्ड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं अभी भी स्टिल कॉम्प्लिकेशंस हैं और गवर्नमेंट जो है उस पर वर्कआउट कर रही है जो सेंटर वाला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स का इस पर ये वर्किंग का कार्ड है हालांकि जो पास्ट का कार्ड देखें आप इसमें सोर्ड्स हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स हैं इनमें लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं नाउम्मीदियाँ हुई हैं गवर्नमेंट से हाँ। जो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ उनको नहीं मिली है लेकिन अभी भी देखें कॉम्प्लिकेशन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स अभी भी बैठी है प्रेजेंट सिचुएशन में भी क्वीन ऑफ सोर्ड बैठी हुई है तो ऑब्वियसली आवाम जो है वो सफ़र कर रही है ज़्यादा लेकिन आगे जो फ्यूचर का कार्ड मैं जो देख रही हूँ उसमें दो कार्ड्स आए हैं स्टार का ये होप्स का कार्ड होता है फेथ का कार्ड होता है यकीन का कार्ड होता है अभी भी लोगों को यकीन है और इसके बाद जो एक और कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का ये सक्सेस का कार्ड है अब ये कार्ड की जो ड्यूरेशन स्टार्ट होगी ये 6 महीने बाद मुझे ये पीरियड नज़र आ रहा है अच्छा। कि 6 महीने और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस और टफ मुझे नज़र आ रहा है इस गवर्नमेंट के लिए और आवाम खासकर आवाम के लिए उसके बाद जो है अगले साल वाले जैसे जनवरी से जो पीरियड है वो थोड़ा सा इजी गोइंग होगा ठीक होगा बेहतर होगा आवाम के लिए भी थोड़ा सा रिजल्ट नज़र आएगा आवाम को कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर वर्कआउट क्या कर रही है। उसके अलावा एक और कार्ड मैंने जो निकाला है फाइनेंस का निकाला है थ्री ऑफ पेंटिकल्स इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि लोगों बातचीत नज़र आ रही है गवर्नमेंट की और बाहर से लोगों के फाइनेंस की हो सकता है मुझे ये जो साल गुजरता हुआ जो नज़र आ रहा है इसमें फाइनेंस आएगा बिजनेस और बढ़ेगा मुझे इस मुल्क का पाकिस्तान का उससे जो फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो अगले साल से नजर आएगा। हाँ यानी कि जबरदस्त हो सकता है काम यानी नवंबर से हमें जनवरी तक ये पूरा पीरियड जो आप दोनों के हिसाब से नजर आ रहा है कुछ ना कुछ बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। अच्छा आपने जुडिशरी की बात की थी अजीम साहब जुडिशरी डेफिनेटली बाजपुरस तो करेगी आपने जिस तरह से बताया कि जवाब तलबी होगी फिर हर चीज के ऊपर नवंबर से होगी मगर ये जवाब तलबी पीटीआई को कितना परेशान करेगी और अपोजिशन जो इस वक्त शदीद मुश्किल का शिकार है उनके लिए कितना बड़ा रिलीफ लेकर आएगी ये जुडिशरी। अच्छा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है अपोजिशन के लिए कुछ रिलीफ लेकर आएगी। अच्छा यानी कि उनके बेहतरी होने जा रही है उनकी कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जैसे वो सुनने में आ रहे हैं डील कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं हम कोई डील नहीं कर रहे हैं डील देंगे और लोग कह रहे हैं नहीं अंदर हाँ डील और ढील का चक्कर वो शायद थोड़ा सा एक हो जाएगा चलो यार लेके पैसे जान छोड़ो इनकी कुछ इस तरह का हो जाएगा ठीक है क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो स्टार मुझे जहाँ तक पता है क्योंकि असल तो डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ किसी का नहीं इतना इजीली मिलता मगर थोड़ा एक्सपीरियंस से जो देख लेते हैं तो वो 10th अगस्त या 12th अगस्त से जो एक स्टार चेंज हो रहा है उससे कुछ इनको थोड़ा रिलीफ ऑन मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है ना किसी भी किस्म का ठीक है ना अब जैसे हो रहा है कि हम एसी ले लेंगे अखबार ले लेंगे टीवी ले लेंगे तो ले लिया ना अब आम के लिए इतना रखा जा रहा है हाँ तो अब वो कुछ थोड़ा सा दोबारा कुछ ये 12th अगस्त के बाद फिर नवंबर में जैसा मैंने कहा कोई केस एक
जीत जाना या उससे हो जाना, कुछ ना कुछ डील बन जाएगी दोनों की। ये तो देखते हैं कि इस मामले में क्या हमें सूरतेहाल नजर आती है उनसा। मगर अभी हम जिस तरह से नवाज शरीफ साहब से मुतालिक हमने बात की, उनकी साहबजादियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और रिसेंटली उनके काफ़ी सख्त किस्म के मैसेजेस भी क्लियर कर दिए गए और कन्वे भी किए गए उन लोगों तक और बताया गया पब्लिक को भी कि अगर उन्हें कुछ हुआ या कोई ऐसे मामलात हुए उनके साथ, उन्होंने कुछ अपनी वीडियोज़ हैं जो रिकॉर्ड करा दी हैं जो मुल्क से बाहर किसी शख्स के पास मौजूद हैं। मरियम साहबा का मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं अपने वालिद के स्ट्रगल के हवाले से, और अपोजिशन के अंदर उनका जो किरदार रहेगा वो कितना स्ट्रांग रहेगा और कितना वो प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकेंगे अपोजिशन को? जी, मरियम नवाज का मुझे फिर भी बेहतरी नज़र आ रही है और मैंने नवाज शरीफ साहब के भी कार्ड्स निकाले हैं, उनके भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। हालांकि अच्छा। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन तीनों कार्ड जो हैं वो बिल्कुल नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। एट ऑफ कप्स भी है, फिर उसके बाद उसमें सोर्ड्स भी है, एट ऑफ सोर्ड है, टेन ऑफ सोर्ड है। हाँ। तो मुझे तो ये साल नवाज शरीफ साहब का भारी नज़र आ रहा है और कोई मुझे रिलीफ नज़र नहीं आ रही। हाँ, मरियम नवाज का मुझे नज़र आ रहा है कि उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा है, उनकी जो पोजिशन है वो मज़बूत रहेगी। और हमजा शहबाज के लिए भी जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो भी कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, फिर मून का कार्ड है, फूल का कार्ड है। ठीक है, वो आगे अपनी उनको होप्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने ओपन रखी हुई है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन नज़र आ रही है और वो मतलब जैसे स्ट्रगल में होते हैं ना, भागते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे अपनी कोशिशों में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फिर मैंने आसिफ जरदारी का भी मैंने जो तीन कार्ड्स निकाले हैं वो भी इतने अच्छे कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे। हालाँकि होप्स हैं, होप्स थी कि शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन आप कार्ड्स अगर देखें इसमें फोर ऑफ सोर्ड है, फिर उसके बाद दोबारा सोर्ड का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड, मतलब न्यूज़ उनके लिए जो खबर है कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही मुझे। ठीक है, यानी कि उनको रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन वैसे कहते हैं कि वो खतरों का खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी, तो किसी ना किसी तरह तो वो निकल ही आते हैं कि लेट्स सी वो होता है कि नहीं हो पाते। लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ साहब जी जो फ्यूचर का कार्ड है वो फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फ्यूचर का जो कार्ड है वो जगलिंग करेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे किसी तरीके से निकलने की, लेकिन मुझे अभी 6 महीने के अंदर अंदर मुझे कोई ऐसी बड़ी कामयाबी उनकी नज़र नहीं आ रही आपको, इसमें उनको कोई अच्छा नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन को जो दो लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक तो जरदारी साहब करते हैं, एक मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं जो पूरी स्ट्रगल को लेकर चलते हैं। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक अंसा ने कहा कि अभी कोई उन्हें नज़र नहीं आ रहा उनके लिए रिलीफ, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी हो सकता है उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाएँ, हो सकता है शायद उनाई हो जाए, आपको नज़र आ रहा है कि मुस्तक मिल करीब में या किसी भी अरसे में नवाज शरीफ साहब को रिहा कर दिया जाएगा? देखें, जुपिटर आ रहा है नवंबर में। हाँ। और ये आ रहा है पूरा 13 मंथ्स के लिए एक जगह घर पे बैठते आके, तो हम जब नवंबर की बात कर रहे हैं तो ये नहीं होगा नवंबर में आया और उसने आते ही इनका काम करा दिया। वो 13 मंथ्स के लिए आएगा, यानी कि 2020 के दिसंबर तक। हाँ। ठीक है ना, तो इस पीरियड में इन दोनों को मिलना ही मिलना है रिलीफ, या आप रिकॉर्ड कर ले मेरी बात, वो रिहाई की शक्ल में भी हो सकता है, रिहाई की शक्ल में हो सकता है, उनसे ये भी हो सकता है, ठीक है जी हम आपसे ये डिमांड कर रहे हैं यार आपने जितना लिया है पैसा ये इतना दे दें और आप बाहर चले जाएं, ये तो पीटीआई की डिमांड है। हाँ, वो हो जाएगा, ठीक है, और ये निकल जाएंगे बाहर। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ नवम्बर से वो आएगा, बातें बनना या डील बनना शुरू हो जाएंगी, और उससे पहले जो मैंने एक डेट दी ना अभी आपको, ये 10-12 अगस्त की, इसके बाद से आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा आपको फेवर में नजर आएगा इधर, और इधर गवर्नमेंट का ये होगा कहना चलें जी हमने कहा ठीक है मूव ऑन, ठीक है ना। हाँ। और जब ये इस पे बात हो गई है, हो गया, हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो राणा साहब का क्या बनेगा, राणा सनाउल्लाह साहब जब देखें पार्टी लीडर ही जब सही हो जाएगा तो वो बाकी भी उसमें बैती गंगा में नहा लेंगे। हाँ, केसेस डाल दिए गए हैं उनका। हाँ, उनका मुस्तकबिल कैसा नजर उनका, तो अगर केस सही है तो तापनाक ही नजर आ रहा है मुझे तो। अच्छा, नहीं वैसे आपके आपके आपका नहीं, उनका मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं सिर्फ लीडर्स का करता हूँ। ठीक है, अभी अभी चलिए उन सब पूछ लेते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब का मुस्तकबिल आपको कैसा नजर आ रहा है? जी, अभी जो करंट सिचुएशन है राणा सनाउल्लाह साहब की वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। फोर ऑफ कप्स है,
कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा उनकी तरफ, लेकिन आगे जो फ्यूचर का जो कार्ड है वो नाइन ऑफ कप्स है, तो उनको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। और जी, उनकी बेहतरी मुझे नजर आ रही है आगे 3 महीने के बाद, जो 4-5 महीने जो स्टार्ट होंगे उसमें उनका बेहतरी नजर आ रही है, यानी कि सिचुएशन चेंज नजर आ रही है, उनके लिए भी रिलीफ नजर आएगा। अच्छा अजीम साहब, ये तो राणा साहब से मुतालिक तो प्रेडिक्ट कर दिया उनसाने के, कुछ बेहतरी उनके लिए भी नजर आई, डेफिनेटली लीडर आपका कुछ बेहतरी की तरफ निकलेगा तो सब लोग रहनुमा भी बाहर उस तरफ निकले जाएंगे। अभी एक अपोजिशन ने अलायंस भी किया हुआ है कि एक साथ मिलकर इस जंग को लड़ेंगे, पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। मौलाना साहब सबसे ज्यादा पेश पेश हैं फजलुर रहमान साहब, उनका क्या आइडिया है आपको कि फजलुर रहमान साहब वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, उससे कोई असर उससे कुछ नहीं होगा उनको, ठीक है। वो एक बस प्रेशराइज करने का एक वो तरीका होता है, तरीका वारदात कि हम प्रेशराइज करें सामने वाले को, तो वो उससे कुछ भी नहीं होना, ठीक है। और रहा फजलुर रहमान साहब का, तो उनका मैं कहूँगा कि स्टार अच्छा नहीं है, दो का मैं कहूँगा, हेल्थ का इश्यूज़, एक जरदारी साहब का, हाँ उनके तो मामला चल रहा है, और एक इनका, क्योंकि वो दोनों एक स्टार ऐसे कि इनको अंदर से बहुत वो खोखला कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो आपको बज़ाहिर एक आदमी चलता फिरता नज़र आ रहा है, मगर वो किसी भी टाइम जैसे ऐसा हो जाता है कि एकदम कोलैप्स हो गया तो बंदा अच्छा नहीं। वैसे अभी सड़कों पे निकलने के भी उन्होंने दावे कर दिए, कह भी दिया, ऐलान कर दिया, वो ऐसे ही होते हैं, वो बस जैसे आज सुबह ये भी तो हो सकता है वो घर बैठ के इस तारीख को मूव कर दें, नहीं उससे कुछ भी नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। देखें अभी वो हड़ताल हुई थी तो गवर्नमेंट प्रेशराइज हुई, क्योंकि भाई हाँ पूरा पाकिस्तान बंद हो गया और हमने कल ही टैक्स खत्म कर दिया, उन्होंने कहा हाँ बंद कर दें, बंद कर दें, हमारी जात पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हाँ फुल अपने एक फोकस से काम कर रहे हैं, आप बंद कर दें उन्हें का दुकान। अब जिन्होंने बंद किए हड़ताल की, उन्होंने कहा यार हमारा तो एक दिन का लॉस हो गया, अब वो डर गए, उन्हें कहा तो कुछ फायदा नहीं हुआ, तो ये अब बेवकूफियां करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि खान साहब अपनी पोजीशन पे मजबूत हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, मुल्क की मईशत की उनसे जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से आपने भी बताया, अजीम जाफरी साहब ने भी बताया, कुछ बेहतरी आएगी, मगर ये बेहतरी कितने अरसे के लिए होगी, ये तो होता है कि कब आएगी, मगर ये बेहतरी कितने अरसे के लिए होगी, ये लोग बड़ा स्पेशली जानना चाहते हैं कि भाई कितना अरसा हम बेहतर रहेंगे। उनसा सोच में पड़ गई है लगता है, उनसा कार्ड्स निकाल रही नहीं नहीं मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ कार्ड्स निकाल रही हूँ कार्ड तो बड़े अच्छे हैं, मईशत का बिल्कुल कार्ड आया है, ये पैसे का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए है और ये जस्ट स्टार्ट होगा, 6 महीने बाद एक नई शुरुआत होगी, तो ये आगे तक इंशाल्लाह अच्छी अच्छे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मुझे नज़र आ रही है कि अगर ये इसी तरीके की प्लानिंग्स जो की गई हैं गवर्नमेंट ने जो की गई हैं, अगर वही उसी तरीके से स्टार्ट लिया गया तो ये लॉन्ग टर्म जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, यानी मुल्की मईशत हमारी बेहतरी की तरफ जाएगी। इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रुबीना हमारे साथ मौजूद है, जी रुबीना बात कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, बात कीजिए। मैडम मैंने अपने ना बेटे के बारे में पूछना था, वो ना बीमार रहता है और उसको 3 साल उम्र है उसकी, और उसको गुस्सा बहुत आता है और जमीन पे लेटना शुरू हो जाता है वो, उसकी उम्र है 3 मार्च जी 3 मार्च 2017। अच्छा जी, नाम क्या है बेटे का? ठीक है, आप लाइन पे मौजूद रहिएगा। मोहम्मद रुमान उसका नाम है। टाइम क्या था बेटो? पूछना था। अच्छा, उसका टाइम बताएं, उसकी पैदाइश का वक्त क्या था जब वो पैदा हुआ? उसकी पैदाइश का वक्त था 6 बजे तकरीबन, शाम 6 बजे। और 3 मार्च 2017। जी जी बिल्कुल, लाइन पे मौजूद रहिए रुबीना। जी मैडम, मेरे अपने मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/4 मैं नहीं, अभी एक का तो पूछ रही है। लेकिन इसका जो अपना स्टार है ना, फर्स्ट हाउस होता है अपना असेंडेंट का स्टार, वही इसका बेचारे का वीक है। अच्छा, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इसको प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं गुस्सा बहुत आता है, बीमार रहता है और गुस्सा भी बहुत आता है। अच्छा, गुस्सा बहुत आता है, देखें असेंडेंट इसका लियो है, ठीक है ना, तो लियो वाले वैसे ही आपको पता है गुस्से वाले। अच्छा, फिर इनका मून साइन एरीज है, जंगजू से ज़्यादा, ठीक है ना, सिप्पा सलार लड़ाई वाला, ऊपर से मार्स इसका अपने घर का है, तो अग्रेशन और ये वो तो उसका होगा, उतार के गिलास तोड़ दिया, ये कर दिया। तो इसका बेहतरीन सदका ये है कि आप बच्चे का सदका इतवार को परिंदों को बाजरा डालें। अच्छा, ठीक है ना, फिर ये थोड़ा सा कूल डाउन होना शुरू होंगे साहब। ठीक है, बस बाजरा इतवार के रोज सदका किया करें। एक और कॉलर हमारे साथ रिदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी रिदा बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम रुबीना, पहले वाली।
अच्छा सॉरी जी रुबीना, रिदा मैंने आपको रिदा ही बोला है, रहीम यार खान से आप रिदा हमारे साथ हैं, तो मैंने यही बोला है कि रिदा बात कीजिए। जून जी जी 20 जून है, बात कीजिए, क्या पूछना है, क्या है बेटे का फ्यूचर के बारे में? सैयद फराज, चलिए उनसे बताएं आप। ठीक है, फराज, ओके, हाँ जी पता चला, और फिर क्या पूछना चाह रही हैं बेटे से बारे में? फ्यूचर के बारे में बताइए, उसकी शादी के बारे में, उसकी जॉब वगैरह सेटल नहीं हो पा रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच रुबीना, इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। जी उनसा 20 जून 1992 है सैयद फराज, 4 से 4:15 बजे के दरमियान इनकी पैदाइश हुई। बच्चे की शादी के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में उनकी वालदा जानना चाह रहे हैं। शाम के 4 से 4:15 ये तो बाहर सेटल होंगे, बाकी उनसा बताएं। मुझे इनकी एजुकेशन बहुत वीक लग रही है, ये एजुकेशन वाइज स्टडी वाइज इतने मुझे कोई स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, पढ़ाई में इनका मुझे लगता है दिल नहीं लगता है जी। तो इनका फ्यूचर क्या है? और इमोशनल बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे, इमोशनल हैं। और फ्यूचर ये है कि शादी इनकी जल्दी हो जाएगी और मुझे लगता है कि इनकी फैमिली में शादी होगी और आगे जाके इनकी एजुकेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा। कुछ अरसे बाद अगर ये ज़्यादा ये स्ट्रगल करते हैं इसमें। हाँ। क्योंकि इनको बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन जो आपने अजीम साहब ने बताया और आपने मेरी जो कॉलर मेरी बहन हमारे साथ मौजूद थी उन्होंने जान लिया होगा, जल्दी शादी हो जाएगी, मत परेशान हो बेटे की शादी के लिए। और अजीम साहब के मुताबिक तो वो बाहर सेटल होंगे, अल्लाह ताला बेहतर करे उनके लिए और आपकी जो परेशानियाँ उनको कम करे। तो परेशानियों की जब हम बात करते हैं अजीम साहब, परेशानियाँ तो और मुल्की हालात से मुतालिक और भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मैं उस पर बात करूँगी, लेकिन हमारे साथ कॉलर हैं जाहिद नवाज, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी जाहिद बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने जाफरी साहब से पूछना था कि मेरा नाम मोहम्मद जाहिद नवाज है, ठीक है, वालदा का नाम खालिदा तसव्वुर है, 14 मई 1979 जी, दोबारा बताइए, और 14 मई 1979। अच्छा, 16 मई 79, ठीक है, 14 मई 14 मई, और असर का टाइम है पैदाइश का, ठीक है। और ये पूछना था कि मेरे माशी लिहाज से ना काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि, और मैंने बाइक के लिए भी कुछ काफ़ी कोशिशें की हैं, तो मुझे ज़रा माशी लिहाज से मुझे बता दें कि मेरा कब ये कुछ बेहतरी आएगी और क्या आगे फ्यूचर। ठीक है मेरे भाई, आप मौजूद रहिए, अभी हम जान लेते हैं। देखें जाहिद साहब, आप एक नाम सुनोगा, साढ़ सती बंदे पे चल रही है, 7.5 साल होते हैं, ढाई 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 तीन फेज से गुजरता इंसान, ठीक है ना, आप उससे गुजर रहे हैं और वो आपका फाइनल फेज़ है जो कि 24 जनवरी 2020 में ख़त्म हो रहा है। ये 7.5 साल आपके बहुत अप एंड डाउन नशेब व फराज के थे, ठीक है, जिसमें आपको फाइनेंशियली लॉस भी, जहनी सुकून भी, ठीक है ना, इमोशनली भी आप बहुत डैमेज हुए, ठीक है ना, ये चल रहा है। फाइनेंस का सितारा आपका 8th हाउस में, जितना बंदा बाज़ दफ़ा काबिल होता है उसको उसके हिसाब से सैलरी नहीं दी जाती, वो कारोबार करता है तो दूसरे दुकान वाला बहुत चमका रहा होता है कारोबार, वो बेचारा स्ट्रगल में लगा रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सदका बताता हूँ कि जुमे के दिन चूटियों को चीनी डाला करें, ठीक है, और ऊपर से एक आपका अपना स्टार भी जो ना 8th हाउस में गया हुआ है, बंद खाने में, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपको तको दो भागना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके लिए आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका दें। अच्छा, हरी चीज़ का सदका दें, वो सब्ज़ी की शक्ल में भी हो सकता है, सब्ज़ी की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में, हरी मिठाई। हाँ। हरी सब्ज़ी बहुत आसान, हरी दाल, हाँ ये चीज़ें दे सकते हैं। हाँ। अच्छा उनसे लास्टली जो लोग परेशान हैं इन हालात में, मुल्की सूरत हाल में परेशान हैं, उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें कि इंशाल्लाह कब उनके लिए बेहतरी आएगी और मुल्की हालात किस ओर जा सकते हैं, बिल्कुल मुख्तसर। मुल्की हालात में ऑब्वियसली टैरो कार्ड्स के हिसाब से भी नज़र आ रहा है कि चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखें
और ना उम्मीद ना हो, जैसे बजट आके और थोड़ी सी महंगाई और डॉलर वगैरह काफी ज्यादा आगे चला गया, उसकी वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं कि आगे क्या होगा, बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी, वाकई नहीं आएंगी, क्या है? तो मेरे कार्ड्स के हिसाब से बिल्कुल चेंजेस नजर आ रही हैं, 100% चेंजेस होंगी, यानी कि अच्छी चेंजेस आएंगी और आवाम के लिए थोड़ा सा और टाइम दे, थोड़ा सा ठीक है आवाम के लिए बेहतरी आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, स्लोली होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मामलात हैं जो इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर तक और 2020 के आगाज पे इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो परेशान मत। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, उनसे आप हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच अजीम जाफर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। हाँ, तो सियासी कद तो किसका बढ़ रहा है, किसका छोटा हो रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और कुछ लोग जो मुश्किल का शिकार हैं वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया, उनके सितारे क्या कहते हैं, मगर वो तमाम लोग जो हकीकत में जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है मगर वो अपने कद की वजह से परेशान हैं कि उनका कद बहुत छोटा रह जाता है, बच्चे हैं वो बढ़ते नहीं हैं, या हमारी डाइट इस तरह की होती है, इससे मुतालिक के कद आपका छोटा क्यों रह जाता है और क्या आपको करना चाहिए, बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। बात हो रही है कद से मुतालिक के कद छोटा क्यों रह जाता है, और ये हर दूसरे तीसरे घर में आपको ये मसला नज़र आता है जहाँ पर बच्चियों की हाइट भी बहुत कम रह जाती है। चलें, बच्चियों की हाइट अगर कम रह जाए, बहुत कम ना हो लेकिन अगर नॉर्मल से थोड़ी कम होती है शायद इस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मगर अगर आपके बेटे की हाइट कम रह जाती है तो उसके लिए पूरा ख़ानदान बड़ा शदीद परेशान होता है कि जी बच्चा हमारा बड़ा छोटे कद का रह गया, और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको लटकाया जाता है, दरख्त पर कहा जाता है लटको, और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कहते हैं कि एक्टिविटी करते रहो कि शायद इस तरह से हमारी हाइट बढ़ जाए, और एक मिथ भी है शायद कि जी हमारे आजकल के बच्चों के स्कूल बैग इतने ज़्यादा हैवी हो गए हैं कि वो वेट उठाने की वजह से हमारे बच्चे का कद रुक गया, जी स्कूल को आपने ज़िम्मेदार ठहरा दिया, उस सिलेबस को आपने ज़िम्मेदार ठहरा दिया, और ये नहीं आपने देखा कि आपकी अपनी कोताहियाँ क्या होती हैं। तो कद छोटा क्यों रहता है, उसके लिए एक्सरसाइजेज हमें कौन सी करनी चाहिए, ना सिर्फ बच्चे जो बड़े लोग हैं, और बड़े लोग में कद छोटा रह जाता है तो मैंने देखा कि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बिल्कुल गोल गोल से ही हो जाते हैं और अपना ख्याल नहीं रखते, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपके जिम के साथ साथ वर्जिश के साथ साथ आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमारे साथ आयशा नासिर है हमारे साथ मौजूद, थैंक यू आयशा, माहिर गजाइयत है, इनसे डाइट के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जिम में किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लिए बड़ी जरूरी है, उसके लिए हमारे साथ जिम ट्रेनर हमारे रहमान अब्बास साहब मौजूद हैं, थैंक यू रहमान, आपने भी ज्वाइन किया। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कद है वो छोटा क्यों रह जाता है, वो कहते हैं हम डाइट भी बड़ी अच्छी बच्चे को दी, हमने सारे विटामिंस भी बच्चे को दिए, प्रोटीन्स भी इसके पूरे हैं, मगर कद छोटा रह गया। देखिए 95% रीजंस जो होती हैं वो जेनेटिक है, अगर पेरेंट्स का कद या ग्रैंड पेरेंट्स का कद छोटा है तो फिर बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, वो जीन्स 95% केसेस में हमेशा जीन्स ही रीज़न बनते हैं, है। जो 5% केसेस हैं उसमें फिर डाइट्री रीजंस आ जाती हैं या कोई अंडरलाइंग डिजीज़ आ जाता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर कद छोटा रह जाना है, थायरॉयड का मसला है तो कद छोटा रह जाएगा। जो डाइट्री रीजंस हैं उसमें प्रोटीन डेफिशेंसी, आजकल के बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड पैकेट की खुराक उनकी ज्यादा है, घर का प्योर खाना जिसे आप कह सकते हैं वो कम है, और स्पेसिफिकली गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम है, उसमें से बच्चों को स्मेल आती है, ये एक कॉन्सेप्ट आजकल जो है वो बच्चों का देखने को मिल रहा है, वो बच्चे को कि एक दफा बता दियो ना बेटे इसमें से स्मेल आ रही है, वो बेटा आपका वहीं पर रुक जाता है, वो सारी जिंदगी स्मेल आती है, बिल्कुल ऐसे ही बच्चे को क्या मदर ही कह रही होती है मैंने कभी गोश्त नहीं खाया मुझे उसमें से स्मेल आती है, या कुर्बानी के गोश्त में से हमें स्मेल आती है, तो वो बच्चा भी फिर वही चीज पिक कर लेता है, वो उसी उस पर चल रहा है कि स्मेल आती है तो वो गोश्त नहीं खाता। अंडों का इस्तेमाल कम होता है, प्रोटीन तो जाहिर है अंडे और गोश्त से ज़्यादा इसके सोर्सेज है, बाकी दूध आ जाता है, जिनकी खुराक बाहर की है खोखली गज़ा ज़्यादा है फिर उनका 5% रीज़न फिर ये हो जाती है। अच्छा, इस वजह से ये कि आपका कद जो है ना वो छोटा रह जाता है। अच्छा रहमान, ये भी कहते हैं कि जी आपके बच्चे का अगर कद बढ़ना है तो वो बस 16-17 या मैक्सिमम 18 साल की उम्र तक होता है, इसके बाद आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ता, क्या वाकई ऐसा होता है? कुछ लोग जो परेशान होते हैं जी कि भाई हम पहले तो कुछ नहीं कर सके, चलो अभी ज़रा कुछ कर लें, तो उनके लिए किस तरह से? जी नहीं, 22 तक है। अच्छा, 22 लड़के और लड़कियों दोनों का 22 तक बढ़ता है, और लेकिन उसमें ये कि अपनी डाइट को अगर कुछ ऐसा है और ट्रेनिंग और डाइट इन दोनों को आपने बैलेंस में करना, ये नहीं कि वेट करने के 22 तक जाके बढ़ जाए, डाइट और ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ऐसी मल्टी फंक्शनल ट्रेनिंग हो, वेट ट्रेनिंग ना हो, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लेकिन डेली बेसिस पे,
ये आपने करना है, डाइट को प्रॉपर बैलेंस करना है, स्ट्रेचिंग वर्कआउट करना है और मल्टी फंक्शनल एक्सरसाइजेस करनी, फिर जो है ना जाके चेंजेस आएंगे। अच्छा, मैं उम्मीद रखूँ मेरा कद बढ़ जाएगा? मेरी उम्मीद रखी जा सकती है, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है, मेरा कद क्यों नहीं बढ़ सकता? मुझे मेरी टीम वाले बहुत तंग करते हैं कि आपका मैडम कद बहुत ज्यादा छोटा है, मेरा कद कहाँ से छोटा है बताएं, छोटा है कद? नहीं, यहाँ कोई है 6 प्लस का? देखिए, मेरी बिल्कुल अच्छी हाइट है, आइडियल हाइट है लड़कियों की, क्यों आयशा ऐसा ही है ना, बहुत ज्यादा छोटी नहीं होती। अच्छा, हम कहते हैं कि जी कुछ जिस तरह से एक आयशा ये भी बात करते हैं कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कुछ मल्टी विटामिन्स देते हैं जब आपका बच्चा पैदा होता है, चाहे वो आपकी बेटी हो या बेटा, और वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में कद बढ़ने की वजह भी यही होती है कि शायद वो विटामिन्स आपने बच्चे को दिए होते हैं ड्रॉप्स की शक्ल में, तो उसकी वजह से आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाती है। क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है? देखिए, बाहर भी अगर आप देखें ना, जेनेटिक्स का रोल है, बाहर सबके कद लंबे होते हैं, बच्चों के भी ज़ाहिर है फिर कद लंबे होंगे। हाँ, विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी रह गई है तो फिर कद छोटा रह सकता है, और पाकिस्तान में विटामिन डी नहीं देते। जो बाहर की कंट्रीज हैं वहाँ पैदा होते साथ ही ड्रॉप्स की सूरत में या लो डोजेज की सूरत में विटामिन डी देना शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल ये एक फैक्टर है कि विटामिन डी अगर पैदा होते ही नहीं दिया तो आप लेवल्स अभी भी टेस्ट करा सकते हैं अपने बच्चे के। विटामिन डी सूरत से एब्जॉर्ब होता है, और हमारा स्किन का कलर ऐसा है कि पाकिस्तानियों का विटामिन डी इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता, हम एक हद से ज़्यादा विटामिन डी सूरत से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। तो और फिर यहाँ पे गर्मी ऐसी, अब आप इस मौसम में बच्चे को बाहर लेके तो नहीं 20 मिनट की धूप लगवा सकते या 25 मिनट की इस मौसम में धूप लगवा सकते, जिसकी वजह से विटामिन डी लेवल्स लो रह जाते हैं। तो विटामिन डी का अपने बच्चे का ज़रूर टेस्ट कराएं, और अगेन वही आप वाली बात के एंड वाले उस पर 16-20 की एज पर जाके टेस्ट नहीं कराने, जितनी जल्दी 7-8 ईयर्स में जब आपको शक हो रहा है कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, इसका कद नहीं बढ़ रहा, बाकी क्लास फेलोज से इसका कद छोटा, आप उसी टाइम पे उसके टेस्ट कराएं, आखिरी वक्त तक उसको नहीं लेके जाना बिलोंग ना करे बिल्कुल, क्योंकि कद एकदम से नहीं बढ़ना। अगर आपने विटामिन डी भी अपने लेवल्स टेस्ट करा लिए तो भी उसका लेवल ठीक करते करते आपको 3 मंथ्स तो कम अज कम चाहिए, तो इतना टाइम तो अपने बच्चे को दें कि उसकी ग्रोथ सही हो सके। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, सायरा लाहौर से उनसे बात करते हैं। जी सायरा, बात कीजिए। जी मैम, मैं सायरा बात कर रही हूँ लाहौर से, कैसी हैं आप? ठीक है जी, I'm fine, बात कीजिए। अच्छा, मेरी ना दोनों बेटियां हैं, उन दोनों। सायरा अपने फोन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मेरी ना दोनों बेटियों का कद का मसला है, वो कद नहीं बढ़ रहा उनका। उनकी उम्र क्या है? उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, एज 15 साल की है, और जो दूसरी है वो माशाल्लाह 10 साल की है। 10 साल की है, ठीक है। चले ठीक है, इन दोनों का पूछ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। और ज्यादा वेट तो नहीं है, वजन तो ज्यादा नहीं है आपकी बेटियों का? बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है उनका। ठीक है ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से सायरा ने बात की है अपनी दोनों बेटियों की, तो उसकी क्या वजह है? रहमान की एक बेटी वो बता रहे 15 साल की, एक 10 साल की है, तो कद नहीं बढ़ रहा उनका। उसमें डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो ये देखें कि डाइट में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं और डेफिशिएंसी चल रही है, उसको पहले पूरा करें। दूसरी बात ये कि नॉर्मली लोग हम सोचते हैं कि विटामिन डी, लेकिन बोन स्ट्रेंथ के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें MSM है, जिंक है, जिसको हम मिस करते हैं बोन स्ट्रेंथ के लिए, इन चीज़ों को पूरा करना है। उसके अलावा एक्टिविटी देखनी है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ ऐसा है, या एक पैटर्न है बैठ जाना, खा लेना, पढ़ लेना, या एक पैटर्न है। अगर उस ऐसा है तो फिर ये भी रीजंस हो सकती है, क्योंकि मसल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ग्रो नहीं कर रहे, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, और ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं इनमें ना। और अच्छा ठीक है, लेकिन आयशा बच्चियों के हवाले से माएँ थोड़ी ज़्यादा वो कहते हैं कि थोड़ी सख्त भी हो जाती, कंजर्वेटिव भी हो जाती है, या बच्चों को कौन सी मैं ऐसी एक्सरसाइज कराऊँ, छोटी मेरी बच्चियाँ हैं, कोई मसला ना बन जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, तो इसमें फिर बच्चियों के हाइट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उनको करना है? विटामिन डी के टेस्ट कराएं, उनका थायराइड का टेस्ट कराएं। अगर उन दोनों का इशू नहीं निकलता तो फिर उनकी डाइट में 2 बोटियाँ दिन की ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर प्रोटीन का मसला आ रहा है तो वो ना आए। दिन के 3 मील ज़रूरी हैं, 3 मेजर मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके अलावा 3 स्नैक्स यानी लंच और डिनर के दरमियान में एक स्नैक, नाश्ते और दोपहर के खाने में एक स्नैक, और बिल्कुल सोने से पहले दूध का ग्लास। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों में किसी किस्म की गजाइत की कमी ना हो, और गजाइत की कमी की वजह से अगर ये सब चीज़ें पूरी हैं तो मेरी बहन देखिए जेनेटिकली ना हो कि आपकी बच्चियों का कद किसी वजह से छोटा रह गया हो। इस वक्त मेरे साथ कॉलर मौजूद है आमिर सुहेल, उनसे बात करते हैं। जी आमिर, बात कीजिए। आमिर, अगर मैं सुन सकते हैं तो बात कीजिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है रेहाना, उनसे बात करते हैं। जी रेहाना, बात कीजिए। जी मेरी बहन, बात कीजिए और अपने फोन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी का ना हाइट बहुत छोटी है। उम्र क्या है रेहाना आपकी बेटी की? मेरी बेटी की 17 साल उम्र है। मेरी बेटी की 17 साल उम्र है। अच्छा मेरी बहन, उसका कद अभी कितना है? अभी उसका छोटा ही है, बस 4 इंच है लगता। कितने फुट की है वो? 4 इंच। नहीं, अब 4 फुट की बात कर रही होंगी मेरी बहन, कि आपकी बेटी का कद 4 फीट तक हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच रेहाना, आपने हमें कॉल की। 17 साल की इनकी बेटी है और कद बहुत ही छोटा है, 4 फीट है। देखिए इसमें ये भी हो सकता है उनका ना क्लियर नहीं थी इतनी, हो सकता है 5 फीट 4 इंच और वो उसको भी उनके लिए ये छोटा हो सकता है, क्योंकि हर एक के अपने स्टेप बिल्कुल। और अगर 4 फीट है तो फिर तो उन्हें ज़रूर किसी ना किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अंडरलाइंग इशू जो है, अगर फैमिली में इस किस्म का कोई मसला नहीं है तो फिर तो उन्हें अंडरलाइंग परेशान ना हो, अभी कुछ साल बाकी पड़े हुए हैं, जैसे 21-22 साल। अच्छा ये भी होता है रहमान, हम बच्चों की तो बात करते हैं, एक तो बच्चों के बारे में जी कहते हैं कि जी हमारे बच्चे का बैग, स्कूल बैग बहुत ज़्यादा हैवी होता था, माँ बाप ये गिला बहुत ज़्यादा करते जी, हैवी बैग होता था, बच्चा हमारा उठा उठा के वहीं का वहीं दब के रह गया, वो ऊपर नहीं बढ़ रहा। जैसे मर्जी आप माइंड मेकअप कर लो, दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करना, बस वो स्कूल बैग पे ना एक माइंड मेकअप कर लेना, कुछ ऐसा सोचना, चाहे वो डाइट जैसी मर्जी लेता रहे उस तरफ नहीं देखना, स्लीपिंग हैबिट कैसी है उस तरफ नहीं देखना, वो क्या उसकी रूटीन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसी है वो नहीं देखना, और अगर इन चीजों को नहीं देखना तो बैग पे डाल देना बोझ। ऐसा गलत है, मेरा तो बच्चे का बैग ही पता नहीं कितने किलो का था, उसकी वजह से वो छोटा रह गया, छोटा रह गया। शाहिदा हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी शाहिदा बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हिमया खान से बात कर रही हूँ। जी शाहिदा हम सुन सकते हैं, बात कीजिए। मुझे अपने बेटे की हाइट के बारे में पूछना है, उसकी एज है 13.5 ईयर। अच्छा जी ठीक है, उसकी हाइट है तकरीबन 5 फीट होगी। ठीक है ठीक है, मुझे ये पूछना है कि उसकी हाइट यानी बढ़ रही है, सही बढ़ रही है या अभी कम है? ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा शाहिदा, आपके बेटे का वजन तो बहुत ज्यादा नहीं है? है, वेटेड है। अच्छा ठीक है ठीक है, शाहिदा आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। 13.5 साल का बेटा है इनका और कह रही है कि उसकी हाइट है 5 फीट, तो ये नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करवा दे अच्छा हो जाएगा, और BMI बॉडी मास इंडेक्स एक लेवल रखे कि हाँ चेंजेस क्या आ रही हैं। तो अब उसका वेट भी ज्यादा है, वो कह रही है उनका वेट भी ज्यादा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करवा दे तो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये भी होता है रहमान, हम बच्चों की तो बात कर रहे हैं मगर बड़े भी मैंने देखा है, जो लड़के हैं या मतलब बड़े उम्र के थोड़े से लोग हो जाते हैं, चलिए उनकी तो एज वहीं पर रुक जाती है, वो उनका कद भी वहीं पर रुक गया, सब कुछ वहीं पर रुक जाता है, मगर जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या मैट्रिक के बच्चे हैं उनका थोड़ा वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है, कद वहीं का वहीं रुक जाता है। लड़कों में सबसे ज़्यादा मसला नज़र आता है कि छोटी हाइट के लड़के बहुत ज़्यादा गोल से हो जाते हैं, फैल से जाते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी रीज़न ये है कि पहली बात तो ये कि कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, डाइट उसकी वजह से हार्मोन सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जो मेन हमें इशू नज़र नहीं आता। ठीक, उसकी रूटीन चेंज करें, डाइट चेंज करें, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें आम लोगों को एकदम समझ नहीं आएगी कि हार्मोन सर्कुलेशन क्या है, स्लो वर्किंग कर रही है ताकि ग्रोथ में फ़र्क आ रहा है, तो इन चीज़ों को पहले देखें, डाइट, स्लीपिंग हैबिट्स, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है तो लाजमी जो है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ ना कुछ आप करवाएं, ताकि वो मूव करता है, ये नहीं कि मोबाइल पे लैपटॉप पे लगा है स्टडी कर रहा है आ रहा है, तो एक पैटर्न चल रहा है, तो ऑब्वियसली फिर क्योंकि आप एक जगह पे बैठे रहते हैं तो आपके हार्मोन्स जो है ना स्लो वर्क करते हैं, जब तक आप मूव नहीं करोगे तो वो रेगुलेट नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम रहमान कुछ एक्सरसाइजेस भी आपसे देख लेते हैं जो बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कॉल पे मौजूद है सजावल, उनसे भी साथ साथ बात करते हैं। जी सजावल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी उम्र 15 साल है। ठीक है, तो मेरा कद है बड़ा 5 फीट कद है मेरा अभी। अच्छा जी ठीक है जी, तो इसके बारे में मैं क्या करूँ, मेरा कद बढ़ गया। अच्छा सजावल मुझे ये बताएं, आपका वेट भी ज्यादा है या कम है, नॉर्मल वेट है आपका? नहीं नॉर्मल ही है, बिल्कुल नॉर्मल वेट है। ठीक है, आप परेशान ना, अभी पूछ लेते हैं इसका क्या मसला है। अच्छा जैसे 15 साल है, अच्छा बच्चों को कुछ ऐसे नौजवान है उनको फिक्र भी आयुषा कि हमारी हाइट नहीं बढ़ी, जैसे 15 साल का है, 5 फीट है, नॉर्मल हाइट है मेरे ख्याल में। बिल्कुल नॉर्मल है, ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, यानी कि एकदम कद बढ़ता है फिर रुक जाता है, मतलब साल ये नहीं कि पूरा साल आपका कद बढ़ता रहेगा, हर एक का डिफरेंट होता है। इसमें कुछ बॉडी टाइप ऐसी भी होती है जिसमें 2 साल बढ़ा
या दो साल बिल्कुल नहीं बढ़ा और एक छह महीने के अंदर अंदर एकदम बढ़ गया। अच्छा, ग्रोथ स्पर्ट जिसको कहते हैं, ग्रोथ का एक टाइम आता होता है, तो इनका भी ग्रोथ स्पर्ट्स आते रहेंगे 18 तक, एकदम बड़ा करेगा फिर रुक जाया करेगा, फिर बड़ा करेगा फिर रुक जाया करेगा, तो परेशान नहीं होना। हाँ, डाइट के हवाले से इन्हें चाहिए कि ये अपना प्रोटीन इनटेक सही रखें ताकि कम अज़ कम डाइट की वजह से इनका जो हाइट है इनकी डाइट की वजह से ना रुके। जैसा मैंने पहले बताया था, हफ्ते में 4 दफ़ा अंडों का इस्तेमाल ज़रूरी है, दिन में 2 बोटियाँ। किसी भी शेप में आप अंडा फ्राई ले लें उसको या बॉयल ले लें, किसी भी शेप में उसको ले सकते हैं, और दिन में 2 बोटियाँ, चाहे वो बीफ की हो, चाहे वो मटन की हो, चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो फिश की फॉर्म में हो, वो भी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने अपनी डाइट में ऐड करें। फिज़ा हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी फिज़ा, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी हाइट 5'4" है, तो जो उम्र है वो 18 इयर्स है, तो मैं अपनी हाइट को और बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लेती हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं बस लेटी रहती हूँ। तो बस फिजा यही तो प्रॉब्लम है कि आप लेजी हैं और कुछ काम नहीं कर पाती हैं, और इस वजह से आप ख्वाहिश भी कर रही हैं कि आपका कद बढ़ जाए। तो चलिए आपके लिए कोई एक्सरसाइज हम रहमान से पूछ लेते हैं, जो आप लेटे लेटे कर लें आपके लिए आसानी हो जाए। थैंक यू फिजा। रहमान जरा पहले फिजा की लेटे लेटे ही हो जाए। ये सबसे जो उन्होंने ना वैसे एक बात है छुपाया नहीं, साफ बता दी कि मैं लेजी हूँ, सबको बता दी। वेल, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आपने करनी, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, मल्टी फंक्शनल एक्सरसाइजेस करनी। अच्छा, ये किस एज ग्रुप के लिए आप बता रहे हैं? ये सबके लिए, बच्चे भी कर सकते हैं? बच्चे भी कर सकते हैं। ओके जी, क्योंकि वेट ट्रेनिंग तो है नहीं है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आपने डेली बेसिस पे करनी है, मल्टी फंक्शनल मतलब स्पीड एक्सरसाइज भी हो टाइम से। स्ट्रेचिंग फर्स्ट एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वैसे तो बहुत सारी हैं। पाँव आपने जितना आप वाइड कर सकते हैं, हाथों की पोजीशन, क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट स्टेज पे आप नी पे हाथ रख सकते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज जो एक्चुअल होनी चाहिए वो स्ट्रेट, देन आपने फुली स्ट्रेच करना है और होल्ड करनी है पोजीशन 10 सेकंड। आपके मसल मोबिलिटी और जो लेजीपन है ना उसको दूर करने के लिए इस तरह सेकेंड पोजिशन पे, बस इसके लिए थोड़ा उठना पड़ेगा, लेटना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक साइड पे आप कर सकते हो बेड से उतर के, और इसी तरह आपने मूव करना है, फुली स्ट्रेच करना है स्पीड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज इसको आपने करना है, चाहे आप फ्लोर पे कर लें, हाथों को शोल्डर से बाहर ले जाए और होल्ड करना है, देन स्लोली आप होल्ड पोजीशन में। ये मल्टी फंक्शनल एक्सरसाइज है जिसमें आपकी मूवमेंट 2-3 और बढ़ती जाएंगी, इंटेंसिटी है, वेट आपने यूज नहीं करना, लेकिन इसी को एक रिदम से चलाना है। रिदम नेक्स्ट आप कैसे कर सकते हैं कि जिसमें आपकी ब्रेक भी ना हो, लेकिन फर्स्ट आप ब्रेक ले सकते हैं। इसी मूवमेंट को आपने करना है, हाथ आपके शोल्डर से बाहर जाएं, जितने भी जा सकते हैं, गिरना नहीं, बस होल्ड करना है और देन स्लोली अप, इसको आपने करना है। उसके बाद पाँव वाइड, फ्लेक्सिबिलिटी, और अपने पाँव को होल्ड करना है, टच करना है। ये दिखने में आसान नजर आ रही है, करने में मुश्किल है। हाँ, करने में मुश्किल, क्योंकि आपने होल्ड करना है, जब होल्ड करेंगे ना 5 सेकंड के बाद शिवरिंग से शुरू हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं, घबराना नहीं। कमर को बल तो नहीं आएगा इससे कोई? नहीं, कुछ भी ऐसा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग तो कुछ ऐसा भी नहीं है, बल्कि अगर तो स्टिफ है तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर जिनको बैक पेन का भी इशू है तो वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये कितने टाइम्स आपको करनी होगी? स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 सेकंड स्टे, और इस टाइम जो है पीरियड को इसको आपने बढ़ाना है 20 सेकंड तक लेके जाना। अच्छा, तो जो लड़के देख रहे हैं जिनको वेट उठाना पड़ रहा होता है, तो अच्छा, वेट उठाने की पोजीशन भी आपकी गलत होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है? यस, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब वेट उठाते हैं, पहली बात तो ये कि जो गियर्स वगैरह आपने यूज़ करने हैं, बेल्ट आप पहन लो अगर आपने वेट यूज़ करना है। उसके बाद वेट को आपने पोजीशन में, जैसे ये वेट है, अब इसको मैं पिक करूँगा, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट पिक कर रहा हूँ, और इसका डायरेक्ट प्रेशर जो है ना मेरी बैक पे आएगा। वेट को पिक करना है, या तो पाँव को पास लें या वेट को पास लें, और यूँ नॉर्मली, ताकि आपके थाई लेग मसल इन्वॉल्व हो। अच्छा, प्रेशर आपके बेसिकली वेट उठाने पे आना कहाँ पे चाहिए? थाई इन्वॉल्व हो, ठीक है, आपने डायरेक्ट शोल्डर और बैक को इन्वॉल्व नहीं करना। अगर आप स्ट्रेट पोजीशन में
यहाँ से नॉर्मली लोग गलती करते हैं और बैक में पेन निकल आता है, ये उठाया अभी तो वेट कम है तो फील नहीं हो रहा, तो इसका डायरेक्ट प्रेशर जो ना आपके स्पाइनल एरिया पे आएगा, L3 L4 पे जो डिस्क है। अब इसी वेट को मैं उसके पास चला गया और वेट उठाने यूं और प्रेशर थाइस के ऊपर थाइस पे आएगा और आपको फील नहीं होगा। कभी आपने वर्कर को काम करते देखा कितने टेक्निक से वो वेट उठाते हैं? हाँ। और नॉर्मली हम जिम में जाते हैं तो गलती कर जाते हैं, तो ये टेक्निक है वेट उठाने की और ये आपने करना है। अच्छा, इस तरह से ठीक हो जाएगा। ये खवातीन भी इसी तरह से इस एक्सरसाइज को कर सकती हैं? कर सकती हैं। खवातीन के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा? नहीं, जो कंपल्सरी एंगल्स हैं वो तो सेम है, वो आपने करने हैं इसी एंगल से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिम में हम जाते हैं तो सुनने में ये आता है जी बैक में पेन आ गई है, स्टिफ हो गया, तो मैं जिम नहीं कर, तो उसकी रीज़न देखें कि रीज़न है क्या। वेट को यूं ऐसे आप पुल करते हो, खींचते हो, उठाते हो, डिफरेंट जो एंगल्स हैं उसका डायरेक्ट जो ना प्रेशर आपकी बैक पे L3 L4 पे, लेकिन जब आपने वेट उठाने इसको प्रॉपरली एंगल कॉन्सेंट्रेशन, ये नहीं कि उधर बातें हो रही हैं और इधर मैं वेट उठा रहा हूँ और एकदम ध्यान इस तरह डिवाइड हो गया, ये भी होता है, इसकी वजह से भी हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा कि जैसा से हमने जंक फूड की बात की कि उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाता है आपका कद जो है, मगर हम देखते हैं कि बच्चों को माँ बाप चुप कराने के लिए बाहर ले जाते हैं, चलें जी अच्छा बच्चे ने खाना खाया हुआ उसको कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं और फीडर पूरा भर भर के उनको चाय का पिला देते हैं, क्या ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं छोटे बच्चों के कद के ऊपर? जैसा मैंने पहले बताया जो 5% आता है उसमें हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो जंक फूड है वो सबसे ज्यादा आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, सबसे ज्यादा वो इफेक्टिव हार्मोन को करती है। अगर आपका एक हार्मोन भी डिस्टर्ब हो गया ना तो हार्मोन साइकिल सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जब हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब होगा तो जाहिर है कद भी सारा डेफिनेटली वो तो मुतासिर होगा, वो भी बिल्कुल इफेक्ट होगा। तो बच्चों के लिए दो तरह की रीइंफोर्समेंट्स होती हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक नेगेटिव। पॉजिटिव में उन्हें कोई टॉफी दे दी या कुछ इस तरह, उसको आप किसी और चीज से लाइक उन्हें पार्क ले जाएं, कितना वो ट्रेंड होता था हमारे बचपन में, वो करनी चाहिए ना, वो नहीं है, अपनी 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 जो रूटीन है उसको चेंज करें, अपने बच्चों के लिए एक्टिविटीज को चेंज करें, एक्सरसाइज का उनके अंदर एक जज्बा लेकर आए कि बच्चे आपके एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें जाके आपके बच्चों की हाइट छोटी ना रह जाए। तो चलिए इसके साथ मुझे भी इजाजत दें, थैंक यू सो मच रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। स्विमिंग बहुत जरूरी है, हाँ स्विमिंग भी बहुत जरूरी है भाई, ये भी आपको करनी चाहिए, इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आयशा आपका बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।